नमस्कार, मैं आशीष पाठक आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में स्वागत करता हूं। जैसा आप लोगों को बताया गया था कि जो हम लोग यूपीपीसीएस 2021 के लिए फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रहे हैं, उस बैच की ये पहली क्लास है। आज 15 तारीख है और आज इतिहास से हम शुरू करेंगे कि इतिहास की क्लासेस से आपके जो है ये बैच शुरू हो रहा है। तो जो बच्चे इस फाउंडेशन बैच में एडमिशन ले चुके हैं, ठीक है, और जो नहीं लिए हैं वो जल्द से जल्द एडमिशन ले लें इस बैच में, क्योंकि क्लासेस अब आपकी कंटिन्यू हो जाएंगी। और जब आप क्लासेस जैसे यहाँ चलाई जाएंगी उसी हिसाब से अगर नहीं पढ़ते हो तो बाद में धीरे धीरे चलकर ये आप पर क्या हो जाएगा, बर्डन हो जाएगा एक। और जब बर्डन हो जाएगा तो आपके लिए क्या हो जाएगा, एक समस्या होने लगेगा। तो जैसे जैसे क्लासेस चल रही हैं वैसे वैसे आप लोग पढ़ते जाएं। तो जो लोग अभी तक इस बैच में एडमिशन नहीं लिए हो उनसे मेरी यही गुजारिश है कि अगर आपका टारगेट है कि पीसीएस 21 को मुझे क्रैक करना है तो आप लोग सबसे पहले क्या काम करो कि इस बैच में रजिस्ट्रेशन ले लो। और रजिस्ट्रेशन के लिए सभी प्रोसेस मैंने बता रखा है कि आपको कैसे लेना है। परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर लो या हमारी वेबसाइट जो है live.parikshaplus.org, या आप इन किसी भी नंबर पे, जो भी आपके नंबर दिख रहे हैं आप इन नंबरों पे कॉन्टेक्ट करके एडमिशन प्रोसेस जो है आप जान सकते हो, ठीक है। अभी हम जो है शुरुआत जो करेंगे, मैं बताया कि मैं आपको पूरे की पूरी हिस्ट्री जो है वो कवर करूंगा। और हिस्ट्री का जो भी पोर्शन है, कैसे हमें पढ़ना है, क्या सिलेबस है, क्या क्या हमें पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है। देखो बच्चों की जब सबसे पहली बात यह होती है कि जब हम किसी एग्जाम में बैठने जाते हैं, एग्जाम को क्रैक करने जाते हैं, हमारे दिमाग में होता है तो पहले तो हमें ये चीजें जान लेनी चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, क्या मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, क्या मेरे पेपर के अकॉर्डिंग है। ये सब बहुत जरूरी होता है। बाकी पढ़ने का तो आपको किताबें हैं, काफी रिसोर्स हैं, कहीं से भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन एक प्रॉपर गाइडलाइन, एक प्रॉपर आपको मार्गदर्शन कौन दे सकता है, जो इस फील्ड से जुड़ा होगा वही दे सकता है। तो आप लोगों के लिए मैं यही बताऊंगा कि कौन सा चीज आपको पढ़ना है, कितना आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, किस पे टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। पढ़ना आपको थोड़ा थोड़ा सब है, ठीक है। ये फाउंडेशन बैच नाम इसका इसीलिए रखा गया है कि हम पढ़ेंगे सब, लेकिन जिस पे हमें जरूरी होगा उसको ज्यादा फोकस करेंगे। तो अभी जो हमारा ये बात है कि ये आप लोग सोच रहे हो सर लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास, कई बच्चे बोल रहे थे सर क्लास की टाइमिंग क्या रहेगी, ये सब कुछ का इंफॉर्मेशन मैं बता दूं कि कई बच्चे इसमें जो जुड़ रहे हैं फाउंडेशन बैच में वो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, तो सबके लिए लाइव क्लासेस एक टाइम पे नहीं हो सकता है। इसीलिए टीम ने डिसाइड किया है कि जो भी आपके कॉन्सेप्ट क्लास हैं उन सबको हम लोग रिकॉर्डेड फॉर्म में देंगे, और ये रिकॉर्डेड फॉर्म आपको शाम को हर क्लासेस आपको मिल जाएगी, ताकि शाम का टाइम ऐसा होता है कि जो जहां भी व्यस्त होता है उसके बाद से वो फ्री हो जाता है, तो आप अपने दिनचर्या से 1 से 2 घंटे 3 घंटे जो भी क्लासेस होंगी जितने घंटे की उतना टाइम आप निकाल के देख सकते हो। दूसरी बात कि लाइव कैसे हमारा और आपका इंटरेक्शन कैसे होगा, तो हमारा और आपका इंटरेक्शन देखो जब तक कॉन्सेप्ट है तब तक उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको दिक्कत आती है तो आपको जो नंबर प्रोवाइड किए गए हैं आप उसे पूछ सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू। सेकंड कि लाइव होंगे हम आप लोगों से, वो सेशन होगा आपका जब हम डाउट सेशन लेंगे आपका, ठीक है। सपोज करो मैंने आपका एक चैप्टर का एक पार्ट खत्म कर दिया और उस पार्ट से रिलेटेड मैं क्विज कराऊंगा आपका, तब हम लाइव मोड में रहेंगे, तो जो भी आपकी समस्या होगी वो वहीं पे समाधान किया जाएगा, चाहे वो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हो, चाहे आपके पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे आपकी कोई पर्सनल समस्या हो, ठीक है। तो ये बातें हो गई, अब हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो सेशन है बच्चों वो हम इतिहास के बारे में डिस्कस करेंगे, और इतिहास को शुरू से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि इतिहास का रोल आपके एग्जाम में क्या है। आप सभी लोग देखे हो अभी 20 का जो पेपर हुआ है पीसीएस प्री, मैं आपको बता दूं उसमें हिस्ट्री का जो कोर सब्जेक्ट है आपके, हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, ज्योग्राफी हुआ, इन सब के आपके ऑन अप्रोक्स 20 से 21 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो हमारा ध्येय पहले ये रहेगा कि हम इस जो भी सब्जेक्ट हैं, जो हमारे कोर सब्जेक्ट है,
उनको अच्छे से पढ़ें ताकि इनमें हमारी गलतियां ना हो। ठीक है, तो उसी के संदर्भ में आपकी इतिहास की क्लासेस लेकर मैं आया हूं। और इस इतिहास की क्लास में हम लोग शुरू से करेंगे आपका एंशियंट इंडिया से। ठीक है, एकदम शुरू से, क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं है जैसे मैंने वनडे वालों में शुरू किया था हिस्ट्री, तो मैंने बताया था मिडिवल है मॉडर्न पढ़ लेंगे, क्योंकि वहां हमें सिर्फ क्वेश्चन के बेसिस पे चलना होता है। यहां आपको कॉन्सेप्ट बेसिस पे चलना है, तो हमें जड़ से शुरू करना पड़ेगा और कहां तक पहुंचना पड़ेगा, पुलई तक पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, तो जड़ कहां है हमारी, एंशियंट इंडिया में है। ठीक है, तो हम हिस्ट्री की शुरुआत एंशियंट से करेंगे, देन हम मिडिवल, देन मॉडर्न हम पढ़ेंगे। अब उसमें जो जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बताऊंगा आपको, ये पढ़ना है। और ताकि ये जो क्लास है आपकी वो किस पे बेस्ड है, एनसीईआरटी बेस्ड पे है। और मैं ये भी बताऊंगा, जैसे ही लेक्चर मेरा खत्म होगा मैं बताऊंगा कि आपको ये बुक उठानी है और इस बुक का ये चैप्टर मैं आपको दिखाऊंगा, वो चैप्टर उसको अच्छे से रीड करना है इस लेक्चर के बाद, ताकि आप जो यहां सुने हो जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो आप लोग नोट्स में लिखते रहना, और जो उस किताब में इंफॉर्मेशन हो उसको भी आप देख लेना, अंडरलाइन कर लेना, मार्कर से हाईलाइट कर लेना। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं हिस्ट्री के बारे में। थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो दूंगा हिस्ट्री का, फिर मैं शुरुआत करूंगा हिस्ट्री की। तो जो इतिहास है इसके बारे में मैं आपको बताऊं, तो बच्चों इतिहास जो हमारा है वो दो इसको विभाजित किया जाए तो इति धन हास बोला जाता है। ठीक है, इति धन हास। ठीक है, तो इति का मतलब ये होता है इसमें कि ऐसा हुआ होगा, एक बोला जाए ऐसा मतलब घटित हुआ होगा, यही इसका शाब्दिक अर्थ है इतिहास का, जान लो। और इतिहास जो आपका है इसके जनक जो हुए वो किसे बोला जाता है, हेरोडोटस को बोला जाता है। ठीक है, जो हेरोडोटस हैं इनको इतिहास का पिता कहा जाता है। तो ये आपके कोई सिंगल आपके एग्जाम होते हैं उन सब में ऐसे वनडे जा आप टाइप के, तो वो फैक्ट है एक, हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ चीजें आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलती हैं तो मैं वो बताऊंगा, और जो कॉन्सेप्ट है वो हम एनसीईआरटी के बेसिस पर ही लेकर आए हैं आपके साथ। अब इसी में अगर बात करें तो इसी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, हिस्ट्री कहते हैं। और ये इतिहास का अगर कहें कि इतिहास, सर आप इतिहास का जो वर्णन है वो कहां हमें सबसे पहले मिलता है, जो इतिहास शब्द है इसका वर्णन हमें सबसे पहले कहां मिलता है, तो ये ध्यान रखना इतिहास शब्द का जो हमें वर्णन सबसे पहले मिलता है वो अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, इसीलिए इसे इतिहास को हम पंचम वेद भी बोलते हैं, इतिहास को हम पंचम वेद भी बोलते हैं। अब बोले ना इतिहास को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं। और हिस्ट्री जो है आपकी किससे ली गई है, एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम है हिस्टोरिया। क्या नाम है, हिस्टोरिया वर्ड से इस हिस्ट्री को लिया गया है। तो ये तो कुछ उसके हिस्ट्री के बारे में हो गया। अब ये हम जाने कि सर आप पूछोगे अब हमसे तुम लोग कि सर ये सब इतनी घटनाएं बहुत पुरानी हो चुकी हैं, हमें ये सब पढ़ने की क्या जरूरत है, जो चीजें हो पॉलिटी पढ़ने चलो ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ने ठीक है, इतिहास में सब जो पुराना हो चुका है उसे हमें क्या पढ़ने, क्यों क्यों हमें पढ़ाया जाता है। एक तो इतिहास वैसे ही सुनने में ऐसा लगता है यार कितना बड़ा सिलेबस है, ठीक, तो क्यों हम इसे इतिहास को पढ़ते हैं। ये जान लो कि इतिहास और भूगोल के अलावा आपका कुछ भी नहीं है। इतिहास क्यों पढ़ा जाता है इसका मैं आपको बता रहा हूं, जो आपको मन में क्वेश्चन हमेशा उठते रहते हैं उसका एक सिंपल सा बोला जाए ये है कि इतिहास पढ़ना इसलिए जाता है, इसलिए हम पढ़ते हैं इतिहास को, क्योंकि इतिहास हमें कहीं ना कहीं कुछ सिखाता है, कुछ बताता है। किसके बारे में, हमारे अतीत के बारे में। इसीलिए एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है आपका वो क्या है, अतीत, जो आप बुक का नाम है वो अतीत पार्ट वन है। ठीक है, अतीत के बारे में अगर हमें जानना हो, ठीक, हमें चाहे हमारे पूर्वजों के बारे में, तो हम क्या देखेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे। जैसे एक सिंपल सी भाषा में मैं बोलूं कि अगर आपको यह जानना हो कि कल क्या घटित हुआ, उसके लिए आप क्या करोगे, आप न्यूज़पेपर देखोगे, टीवी चैनल देखोगे, तब आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन वही बात कहा जाए कि आज से कई साल वर्ष पहले, चाहे एक साल की बात करें तो एक साल पहले क्या हुआ, उसके लिए भी क्या करोगे,
कहीं ना कहीं टीवी पे चाहे यूट्यूब पे आप सर्च मारोगे एक साल पहले की जो न्यूजेज हैं सही सही जो ऐसे हैं, चाहे कोई बहुत ज्ञानी व्यक्ति हो आप उससे संपर्क करोगे, यही कर सकते हो। ठीक, जो वो उस टाइम की इंफॉर्मेशन को उसको याद हो कुछ इंफॉर्मेशन। लेकिन वही बात जब कई सालों कई लाखों वर्ष पहले की अगर बात किया जाए तो वो हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें इतिहास से पता चलेगा। इसीलिए इतिहास पढ़ना जरूरी है। और आप एक प्रशासनिक अधिकारी की जो है तैयारी करने जा रहे हो तो उसके लिए इतिहास बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपकी जब पोस्टिंग होगी किसी ना किसी क्षेत्र में तो उस क्षेत्र का इतिहास आपको जानना जरूरी है, उसका एनालिसिस करना जरूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि वहां कैसे हम काम कर सकते हैं। क्योंकि इतिहास और ज्योग्राफी ये दोनों उस क्षेत्र का जब तक आप जानने के लिए तो सब कुछ जानना है, इतिहास ज्योग्राफी और राजनीति कि वहां की इतिहास क्या है ज्योग्राफी क्या है और उसकी राजनीति क्या है, तब तक आप कुछ भी वहां कर नहीं सकते हो। तो जब भी आपकी पहले पोस्टिंग होती है तो पहले आप क्या करते हो, आपके जो भी सुपीरियर अधिकारी होते हैं उसके जो भी किए गए काम होते हैं उसको एनालाइज करते हैं। तो इसीलिए भाई हिस्ट्री हमेशा हमें क्या करती है, सिखाती है। और जो इतिहास से सीखता है वही इतिहास रचता है, और जो इतिहास से सीखता नहीं है वो इतिहास दोहराता है। जैसे वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ तो वर्ल्ड वार सेकेंड भी हुआ, मतलब पहले वर्ल्ड वार से लोगों ने नहीं कुछ सीखा तो दूसरा वर्ल्ड वार हुआ। लेकिन जो इतिहास से सीख जाता है वो इतिहास रचता है, ये ध्यान रखना। इतिहास अपने आप में एक बड़ी चीज है। ठीक, इसे पढ़ना है तो हमें ज्योग्राफी जो है थोड़ी इससे रिलेट करके आनी चाहिए, खासकर जब हम एंशियंट पढ़ रहे हैं तो हमें ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल मिलेगा आपको। ठीक है, तो हिस्ट्री में हम सबसे पहले किसके इतिहास के बारे में जिक्र करते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं। देखो इतिहास सबका होता है, आपका खुद का इतिहास होगा जब से आप पैदा हुए। ठीक, उसके बारे में जानना है तो जाहिर सी बात अपने माता पिता के बारे से पता लगा पाओगे कि मेरा इतिहास क्या रहा। ठीक है, उसी तरह इस इतिहास में जो हमारे सिलेबस में है वो किसके बारे में है। देखो जीवों का भी इतिहास होता है, पौधों का भी इतिहास होता है, सबका अपना अलग अलग इतिहास होता है। तो इस इतिहास में हम मानव के बारे में जिक्र करेंगे, किसके, मानव के इतिहास के बारे में हम जानेंगे। ठीक, कहां के मानव के बारे में जानेंगे, इस इतिहास में हम मैक्सिमम जो हमारे सिलेबस में है वो मैक्सिमम जो इतिहास में हम जानेंगे वो भारत के मानव के बारे में हम जानेंगे। तो जब भारत के मानव के बारे में जानेंगे तो हमें इसके लिए भारत के भूगोल जो है हमारा, भारत का जो भूगोल है उसको भी हमें जानना जरूरी होगा। ठीक है, क्योंकि भूगोल जब हम जान जाएंगे तो उसका इतिहास क्या है वो हम अपने आप जान जाएंगे। ये कैसे कहोगे सर जी, कैसे सर हम भूगोल जान जाएंगे तो हम किसी चीज का इतिहास कैसे जान सकते हैं, यह प्रश्न उठेगा आपके मन में। तो मैं बता दूं, जैसे आपको मैं बता रहा हूं कि मराठा का मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने, मराठा एम्पायर, मराठा साम्राज्य की बात किया जाए तो मराठा साम्राज्य में हम जानते हैं, हमें रटना होता है कि मराठा साम्राज्य में ऐसे था, उसका जो है समाज कैसा था, उसका विस्तार कैसे हुआ, वहां जो है जमीन वहां का भूगोल कैसा है। तो जब ये सब हम रटते हैं वो रटने की चीज नहीं है, जब आपको उसका भूगोल पता होगा कि वो किस स्थिति में है, पहाड़ी रेंज है एक तो महाराष्ट्र वाला, ठीक है, उतना वहां पे एग्रीकल्चर नहीं हो सकता है। ठीक, तो वहां पे जो है लोगों का आय का स्रोत क्या होना होगा, भाई आय का स्रोत पढ़े हो कि लूटपाट होता है, तो जहां खेती उतनी नहीं हो सकती है, कर तो लेते थे वो लोग सदेशमुखी और चौथ जो कर लेते थे वो लेते थे, लेकिन वहां पे मेन उनका जो था वो लूटपाट वाला ही था। उस पर से उनकी जो युद्ध पद्धति थी वो क्या था, पहाड़ का क्षेत्र है, सकड़ा रास्ता होगा। भाई जब भूगोल हमें पता है तो हम जानते हैं उसका रास्ता क्या होगा, जो मराठा एम्पायर है कहीं ना उसकी जो प्लेस है वो बहुत सकड़े सकड़े रास्ते होंगे, तो वहां क्या होगा, गोरिला वार सिस्टम चलेगा आपका, पहाड़ियों के बीच में रहकर युद्ध करने वाला, लूट करने वाला। सैनिक पद्धति कैसी होगी वहां की, सैनिक पद्धति ऐसी होंगी जो सकड़े रास्ते पर भी चल जाए, जैसे घोड़े का व्यवस्था होगा सैनिकों में, ठीक है, पैदल सेना होगी, हाथियों वाली सेना नहीं होगी, रथ वाली सेना नहीं होगी, क्यों, क्योंकि वहां का भूगोल ऐसा है। ठीक, तो आप लोग क्या करते हो, इस चीज को रटते हो कि वहां की सैन्य व्यवस्था कैसी थी, वहां का समाज कैसा था।
तो जब आपको इतिहास में ये पता चल जाएगा कि यहाँ का भूगोल कैसा है, तो आप जान जाओगे कि वहां का समाज कैसा है, वहां की अर्थव्यवस्था कैसे हो, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि वहां कृषि में क्या होगा, तो कृषि से ही आपकी अर्थव्यवस्था पता चल जाएगा। जब आपको भूगोल पता होगा तभी आप जान जाओगे कि वहां का कला क्या होगा, संस्कृत क्या होगा, ये सब। तो इसीलिए हमें इन दोनों को साथ में लेकर पढ़ना होता है, साथ ही साथ दोनों को एकदम ज्वाइन करके एक साथ, ठीक है। और क्यों उपयोगी है हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री के सापेक्ष में हम आज का जो फ्यूचर है उसको हम बताते हैं। जैसे एक सिंपल सा मैं एग्जांपल आपसे बता रहा हूं कि जैसे बोला जाता कि आज जो अर्थव्यवस्था है वो पिछले साल की अपेक्षा, ठीक है, कितना है, इतने पॉइंट इंक्रीज कर रही है। तो जब हम किसी के तुलनात्मक जो बोला जाए एक तरह से अध्ययन करते हैं, तो उसके लिए मुझे इतिहास की जरूरत होती है। बिना इतिहास से, क्योंकि वो एक पैरामीटर है, क्योंकि उसी पैरामीटर पे हम ये बता सकते हैं कि हम पहले की अपेक्षा अब कितना एडवांस है, ठीक है। तो इसीलिए इतिहास की जरूरत होती है। हम उस अतीत से अपने सीखकर फ्यूचर को अच्छा करने के लिए मुझे इतिहास की जरूरत होती है। जैसे आपका अभी बोलोगे रिजर्वेशन सिस्टम है, ये भी क्या है आपका, हम कहीं ना कहीं अतीत से ही सीखे हैं, ठीक है। तभी आप जाके हम देखें कि कैसे वहां जो वर्ण व्यवस्था है वो सही नहीं थी, तो उस पर हम आगे बढ़ते गए, ठीक। तो हमारी उस रिजर्वेशन सिस्टम को हमने इंप्लीमेंट किया फ्यूचर में, ताकि जो अतीत में गलतियां हुई थी उसे हम सुधार सके, अच्छा कर सके, ठीक। तो इसलिए हमें इतिहास पढ़ना जरूरी हो जाता है। अच्छा, अब इतिहास उपयोगी क्यों है, इसके लिए कई इतिहासकार अपना अपना जो है मतभेद देते हैं इतिहास पर। जैसे कुछ इतिहासकारों के बारे में भी जिक्र करूंगा ये क्यों उपयोगी है उतना। जैसे आपके कौटिल्य हैं, ठीक है, नाम सुना होगा आप लोगों ने चाणक्य का, ठीक है। कौटिल्य जी कहते हैं मौर्य साम्राज्य का जब इन्होंने निर्माण किया था, एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, आप सभी लोग जानते हो कहां से कहां तक था, पूरा अफगानिस्तान से लेकर साउथ तक, इधर इधर पूरा मगध आपका फैला हुआ था, ठीक। तो इससे हम लोग कुछ ना कुछ सीखे ही हैं इतिहास से। तो वही कौटिल्य कहते हैं कि एक राजा को, जो भी राजा होता है आपका, उस राजा को इतिहास का निरंतर अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि जब राजा इतिहास को निरंतर अध्ययन करेगा तो उससे कुछ ना कुछ सीखेगा, और जब सीखेगा तो अपने राज्य को, अपने समाज को, अपनी अर्थव्यवस्था को उतना ही क्या बनाएगा, स्ट्रांग बना लेगा, ठीक। ये कौटिल्य का कहना है। इसी तरह अबू फजल है, आपके मेडिवल में अगर हम चलें तो अबू फजल की बात करते हैं, आपके नवरत्न में से हैं अकबर के। तो अबुल फजल कहते हैं कि आपका जो ये इतिहास है ये क्या है, एक ऐसा चिकित्सालय है, ध्यान रखना, एक ऐसा चिकित्सालय है जहां हर मर्ज की क्या है, दवा है आपकी, ठीक है, कितनी बड़ी बात बोले हैं। और इसी तरह एक बर्नी है जो उसी समय के हैं मध्यकालीन के, वो तो भाई बोले हैं भैया कि इतिहास जो है हमारा वो क्या है, विज्ञान की रानी है। और आज क्या होता है, जो बच्चा कोई एमए है, चाहे हिस्ट्री सब्जेक्ट उसका रहा हो, पीएचडी किया हो हिस्ट्री से, तभी भी वो अपने आप को उनसे क्या करता है, कम आंकता है, जो आपके बीटेक हो, एमटेक हो, ठीक, कि अरे यार हम तो हिस्ट्री वाले हैं, वो एमटेक हैं, वो साइंटिस्ट है। ऐसा नहीं, एक साइंटिस्ट जो आपके जो भी है, न्यूटन है, जो भी हो, वो जो भी खोज करते हैं उनको कहीं ना कहीं हर चीज का नॉलेज होता है। ऐसा नहीं हो कि बिना इतिहास जाने किसी नई चीज का खोज कर दिए, ऐसा नहीं होता है। तो इतिहास इसीलिए क्या है, इतिहास विज्ञान की रानी है। उनके कहने का यही मतलब है कि इतिहास से ही हम सब कुछ जान सकते हैं, हम विज्ञान जान सकते हैं, हम कंप्यूटर जान सकते हैं, हम कुछ भी, कोई भी नई टेक्नोलॉजी है, हम उसके बारे में क्या कर सकते हैं, इतिहास को अध्ययन करके उसे हम नया अवतार दे सकते हैं, ठीक। चलो, ऐसे तो कुछ चीजें हो गई, उसके बाद से हम इतिहास के विभाजन पे आते हैं, ठीक है। अब इतिहास के बारे में हम लोग जान लिए कि ऐसे ऐसे इतिहास है, क्यों उपयोगी है, क्यों हमें पढ़ना जरूरी है, ठीक। कहोगे सर जी सिलेबस में दिया इसीलिए तो पढ़ना जरूरी है, आप जो बता रहे हो तो चलिए बात बात की बात है। ऐसा नहीं है, जो मैं आपको बताया वो कोई अलग है। आपसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछता है कि अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड के हो, मान लो छात्र कोई, चाहे किसी और बैकग्राउंड के हो, और आपने ऑप्शनल ले लिया है अपना इतिहास,
तो पहला जब इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछेगा मेंस के बाद जब इंटरव्यू में जाओगे तो यही पूछेगा कि आपने बीटेक फला फला डिग्री किया है तो आपने इतिहास सब्जेक्ट को ऑप्शनल क्यों चुना। तो आपके पास ये जवाब देने के लिए कुछ शब्द होने चाहिए कि हाँ इतिहास ऐसा ऐसा चीज है इसके बारे में हमें जानकारी देता है कि कैसे मानव का उत्पत्ति हुआ, मानव ने एक समाज का निर्माण किया, एक अर्थव्यवस्था का निर्माण किया, ठीक है, एक पूरे राज्य का निर्माण किया, वो कैसे हमें पता चलेगा, वो सब हमें इतिहास से पता चलेगा। चलिए इसके विभाजन पे थोड़ा बात कर लेते हैं। इतिहास के विभाजन पे को हम दो जो है बोला जाए दो हिसाब से बांटते हैं। पहला जो है आपका स्रोत के आधार पर, दूसरा जो है एक इतिहासकार हैं आपके ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स मिल के अनुसार, ठीक, जो स्रोत के अनुसार जो बोला जाए स्रोत के आधार पर है। स्रोत क्या होता है अभी ये जान लो, जो स्रोत होते हैं वो साक्ष्य होते हैं कि हम किस आधार पर, किस साक्ष्य के आधार पर किसी भी जो भी आपकी घटना घटी तो उस जो घटना घटी उसके बारे में आप कैसे जानोगे, उसके क्या साक्ष्य, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उसके साक्ष्य हैं, न्यूज़पेपर के थ्रू आप जाने कि आज के चार दिन या पांच दिन पहले कौन सी घटना घटी थी, उसी को हम स्रोत कहते हैं। जब हम ऐसे ही अपने कई लाख साल वर्ष पुराने इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे तो उस समय हम क्या करेंगे, किस तरह के स्रोत होंगे, तो उस समय कई प्रकार के स्रोत होंगे, जैसे आपके लिखित प्रमाण कुछ मिलेंगे, जैसे साहित्यिक प्रमाण हो सकता है, क्या हो सकता है भाई, साहित्यिक प्रमाण हो सकता है, साहित्यिक प्रमाण हो सकता है, ठीक, और दूसरा क्या हो सकता है, एक हो सकता है पुरातात्विक, पुरातात्विक प्रमाण हो सकता है, यह ध्यान रखना। तो जो पुरातात्विक प्रमाण है, ठीक है, साहित्यिक प्रमाण है, ठीक, और आपके क्या है, इसी में कई आते हैं। तो पुरातात्विक प्रमाण क्या होते हैं, पुरातात्विक प्रमाण मतलब जो पुरानी चीजें, पुरा मतलब क्या हो गया आपका पुरानी चीजें, तात् मतलब क्या हो गया तथ्य, ठीक है। तो पुरातात्विक प्रमाणों से पुरानी तथ्यों के चीजों से हम ये जान सकते हैं उसमें क्या क्या आते हैं। उसमें आपके पत्थर आते हैं, जो पत्थर जो आप पाषाण युग पढ़ोगे तो वहां के हम बारे में जानकारी कैसे प्राप्त किए, हम पत्थरों के बारे से लेकर जानकारी प्राप्त किए, ठीक है। और उसके बाद से जैसे और आ जाओगे हड़प्पा सिविलाइजेशन में आ जाओगे तो वहां हम कैसे प्राप्त किए जानकारी, वहां के जो आपके क्या बर्तन है, मोहर मिली है, ठीक है, उससे रिलेटेड हम जानकारी प्राप्त करते हैं। फिर और थोड़ा आगे बढ़ोगे मेडिवल के टाइम में आओगे तो साहित्य का, मेडिवल का एंशिएंट में ही आप जाओगे, एंशिएंट में जब साहित्य शुरू हो जाते हैं लोगों के, गुप्त काल मौर्य काल जब हम पढ़ने लगेंगे, ठीक, मेगास्थनीस को पढ़ेंगे, कौटिल्य को जब पढ़ेंगे तो वहां साहित्य और चाहे किताबों से जो होती हैं उनसे हमें ज्ञान प्राप्त मिलता है कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था, वो साहित्यिक स्रोत हो गया, ठीक है। कुछ अभिलेख मिलते हैं हमें, शिलालेख मिलते हैं उनसे, क्योंकि जो भी राजा बनते थे वो अपने निर्देशों को पत्थरों पर चुनवाते थे तो उनसे हमें जो है क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। अच्छा, और पुराने चले जाए, मानव की उत्पत्ति की बात करें तो वहां के साक्ष्य कैसे हमें मिले, वो भी जो है पुरातात्विक साक्षी हैं। जैसे क्या है वहां पे जीवाश्म, लोगों के जीवाश्म से हमें पता चलता है कि कोई ना कोई था यहां पहले, किसी ना किसी का जन्म था, ठीक है, उससे कहते हैं फॉसिल्स, जिसे हम बोलते हैं जीवाश्म, जो बोलते हैं हम लोग फॉसिल से हम पता लगाते हैं, ठीक, कार्बन डेटिंग जो हम लोग तकनीक अपनाते हैं उस फॉसिल पे, तो वो उसी से हमारे और पुराने जो होते हैं उनका पता चलता है, जो पुरापाषाण काल से पहले का बात किया जाए, मानव की उत्पत्ति की बात किया जाए, ठीक है, उसके काल का हमें जो पता चलता है वो किससे मिलता है, जो हम फॉसिल को टेस्ट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो मैंने बता दिया स्रोत ये होते हैं, इस हिसाब से हमें मिलते हैं जानकारी। आप कक्षा छह की जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें पहले वाले चैप्टर में यही दिया है, पंडुलिपि, अभिलेख, ये सब क्या है, पंडुलिपि यही होती थी। तो पहले कागज तो होता नहीं था, तो जो पेड़े को जो छाल होते थे उस छाल को छीलकर उस पे जो लोग विद्वान होते थे, जो उनको पता रहता था, वो चीजें लिखते जाते थे, तो उसका कलेक्शन जो होता उन सब चीज का अध्ययन करके, और ये अध्ययन कौन करता है, जो ये आपका आर्कियोलॉजिक विभाग है वही इन सब कामों को करता है, और एक खोज करने में कई साल इनके लग जाते हैं, 40-50 साल बीत जाते हैं, समझ लो एक चीज है एक फॉसिल को बताने में कि ये कब का है, ठीक है। चलो अभी बात करते हैं यहां पे, अब इस स्रोत के आधार पर इतिहास को तीन काल में विभाजित किया गया। जो स्रोत का आधार था
जो साक्ष्य के आधार थे उन पे हमने तीन प्रकार से आपका क्या किया, विभाजन किया है इतिहास का। पहला है आपका प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, प्री हिस्टोरिक पीरियड। आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। और लास्ट आपका है ऐतिहासिक काल, मतलब इसी को हिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है, ऐतिहासिक काल। इसके बाद से इसमें हुआ क्या, जो आपके प्रागैतिहासिक काल है, जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है, इसको किस पार्ट में डिवाइड किया गया, इसको डिवाइड कर गया, फर्दर इसे डिवाइड किया गया कि क्योंकि ये जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है इसका सबसे पहले बोला जाए आपका उल्लेख कहां मिला, किसने किया इसका डिवीजन। तो ये ध्यान रखना कि भैया कौन कर सकता है, इतिहास हम कब पढ़ना स्टार्ट करें, खुद सोचो इतिहास सब्जेक्ट हमारे पास कब पढ़ना हम स्टार्ट किए, जब हमारे पास अंग्रेज आए, अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने क्या किया, हमारी शिक्षा प्रणाली में इतिहास को अलाउ कर दिया कि भैया अब आप इतिहास पढ़ो, आपका इतिहास जो है ग्रेजुएशन में मास्टर डिग्री में सब्जेक्ट होगा। और वो क्या आपके लिए आप इतिहास रखे थे कि आप इतिहास पढ़ोगे तो कुछ अच्छा पैसा कमाओगे, ऐसा कुछ था क्या उनका मानसिकता थी, नहीं, ये गलत है, ऐसी उनकी मानसिकता नहीं थी। उनकी मानसिकता यह थी कि भैया जब वो भारत पे आए थे तो भारत के इतिहास के बारे में तो उनको पता होना चाहिए, तभी तो वो कुछ किस तरह से यहां शासन करना है, यहां के लोगों को कैसे डील करना है, कैसे इसे लूटना है, वो जब तक इसके इतिहास नहीं जानेंगे तो कैसे करेंगे। इसीलिए उन्होंने इतिहास को सब्जेक्ट के रूप में यहां पर डाला ताकि यहां पर अध्ययन कर सके इतिहास के बारे में, और जब अच्छे से यहां के इतिहास को, भारत के इतिहास को हम अध्ययन करेंगे और उतने ही अच्छे से हम क्या करेंगे, इस भारत के लोगों का हम क्या करेंगे, शोषण कर लेंगे, ठीक है। जैसे जैसे आपके इतिहास को जानेंगे वैसे ही वैसे वो लोग क्या करेंगे, आपका अच्छा खासा शोषण कर लेंगे, वो अपने फायदे के लिए किए थे ना कि आपके फायदे के लिए किए थे, ये ध्यान रखिएगा। तो उसी में अंग्रेजों में एक थे जेम्स टॉमसन, ठीक है, आपके डेनियल विल्सन थे, 1851 की बात है, डेनियल विल्सन ने प्री हिस्टोरिक पीरियड जो आपका प्रागैतिहासिक काल जो है उसका वर्णन किया है, ठीक है। उसके बाद से पाषाण काल, जो प्रागैतिहासिक पीरियड को पाषाण काल में डिवाइड किया गया, तो पाषाण काल में डिवाइड कौन किया इसको, पाषाण काल का उल्लेख किस कहां मिलता है, किसने किया था, तो भैया आपके एक थे कौन, जेम्स टॉमसन। ये जो जेम्स टॉमसन थे इन्होंने पाषाण काल का उल्लेख किया, ये कहां के थे, ये डेनमार्क के आर्कियोलॉजिक विभाग के अध्यक्ष थे, ठीक है, वहां के थे। तो इन्होंने क्या किया था, जो आपका प्री हिस्टोरिक एज था उसको पाषाण काल मतलब स्टोन एज में डिवाइड किया, फर्दर डिवाइड किया, क्योंकि जब हम चीजों को डिवाइड जितना करते चले जाएंगे ना तो पढ़ने में हमारी आसानी होती है, हम जब चीजों को क्लासिफाई करके पढ़ते हैं तो पढ़ने में आसानी होता है, हम उसे समझ पाते हैं, रिलेट कर पाते हैं चीजों को, ये ध्यान रखना। आ जाओ अब पाषाण काल को क्या किया इसने, जेम्स टॉमसन ने फिर से ब्रेक किया, जो ब्रेक किया वो तीन पार्ट में ब्रेक किया पाषाण काल को। एक तो आपका पाषाण काल, ठीक है, पाषाण काल मतलब ये क्या हो गया भैया, पत्थरों का युग, ये जो था ये पत्थरों के युग के बारे में बात किया गया है। कांस्य काल, ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन आप जो बोलते हो, जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन था उसमें विभाजित किया। और लौह काल जिसमें हम वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, उत्तर वैदिक काल आपका क्या था, लौह काल था, ठीक है, इनको तीन पार्टों में इन्होंने डिवाइड किया। फिर चल के एक आए भाई साहब हमारे, कौन, जॉन लुब्बाक, जॉन लुब्बाक आए, ये भी ब्रिटिश इतिहासकार थे। इनकी एक किताब थी, वो कौन सी थी, प्री हिस्टोरिक टाइम्स, प्री हिस्टोरिस टाइम, ये इनकी किताब है। इस किताब में इन्होंने क्या किया, जो हमारा पाषाण काल है उसको दो पार्टों में डिवाइड किया। पहले शुरुआत में इन्होंने दो पार्टों में डिवाइड किया था, वो कौन कौन सा था, पूर्व पाषाण काल, ठीक है, पूर्व पाषाण काल, और दूसरा क्या था, नव पाषाण काल, ये दो पार्टों में डिवाइड किए थे। बाद में फिर एक इतिहासकार आए, बोले भैया लुम्बाक जी ऐसा नहीं है, बहुत लंबा हो जाएगा टाइम पीरियड,
इसे और छोटा में हम करते हैं, इसे और छोटा में करते हैं और छोटे छोटे क्लासिफिकेशन करते हैं ताकि इसके अध्ययन करने में हमें क्या होगी और आसानी होगी। तो भैया कहें ठीक है आप जैसा बोले भाई साहब हम वैसा ही कर देंगे। तो लुम्बाग जी ने इसे टाइम पीरियड में फिर से क्या किया, ब्रेक किया। तो आपका जो पूर्व पाषाण काल था वो तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ एक मध्य पाषाण काल इसमें दोनों के बीच में पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल में क्या कर दिया आपका मध्य पाषाण काल जो है इसमें डाल दिया। ठीक है, अब यहां पे आगे आते हैं, आगे देखेंगे कि आपका जो ये पूर्व पाषाण काल था और इसके भी बारे में, क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड देखो कितना लंबा है, 6 लाख वर्ष पूर्व, ठीक है बीसी है, 6 लाख वर्ष पूर्व से लेकर कितने तक 10,000 वर्ष पूर्व तक का ये टाइम पीरियड है। उसके बाद से जो मध्यपाषाण काल है इसका टाइम पीरियड क्या है, 10,000 वर्ष पूर्व से लेकर 4,000 वर्ष पूर्व तक, और जो नव पाषाण काल है वो 4,000 से लेकर 1,000 वर्ष पूर्व तक आपका ये इसका समय काल है। तो इसके टाइम पीरियड ज्यादा था, तो इसमें और अध्ययन करने के लिए और डिटेल एनालिसिस करने के लिए इसके बारे में पूर्व पाषाण काल के बारे में इसे और तोड़ा गया। वो कितने पार्ट में तोड़ा गया वो ध्यान रखो, वो आपका है निम्न पूर्व पाषाण काल, देखो ये ध्यान रखना सेम ही है, निम्न पूरा पाषाण काल याद रखना, क्या है डिवीजन इसका, निम्न पूरा पाषाण काल जो 6 लाख से लेकर 1.5 लाख वर्ष पूर्व तक का इसमें अध्ययन किया गया है। ठीक है, उसके बाद से हम वो देखें तो मध्य पूरा पाषाण काल, ठीक है इसको तीन पार्ट में दिया गया, पूर्व पाषाण काल को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, निम्न पूरा पाषाण काल और मध्य पूरा पाषाण काल। ये मध्य पूरा पाषाण काल क्या है आपका, 1.5 लाख से लेकर 35,000 BC तक, मतलब वर्ष पूर्व तक का ये इसमें अध्ययन है। और इसमें आपका फिर आता है उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक है उच्च पूरा पाषाण काल जो 35,000 से लेकर आपके 10,000 BC तक की बात है। ये आपके क्या है, आपके डिविजन है। तो अभी जो हमें पढ़ना है, हम तो हिस्ट्री की जो शुरुआत करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वो हम पाषाण काल के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम पाषाण काल के बारे में पढ़ें उससे पहले हम थोड़ा इसके पीछे के इतिहास के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जब तक चीजें रिलेट नहीं होंगी तब तक हमें समझ में नहीं आएगा, हम रट नहीं सकते हैं, ये ध्यान रखना, हम रटने के लिए नहीं बैठे हैं, हम कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बैठे हैं। तो पाषाण काल के बारे में जानने के लिए, क्योंकि ये सब कुछ पाषाण काल के, मैंने आपको डिवीजन बता दिया, इस पाषाण काल को जानने के लिए हम पाषाण काल के पहले कि क्या, पाषाण काल के पहले क्या स्थिति थी उसको हम कैसे एनालाइज करेंगे, तो उसके लिए हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और जो आपका बोला जाए 6 लाख से भी और पीछे जाएंगे। ठीक है, तो वो कहां जाएंगे वो ध्यान रखो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम शुरू से जाएंगे, थोड़ा हम भूगोल में जाएंगे, हमें क्या जानकारी लेनी पड़ेगी, भूगोल के बारे में जाना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि भूगोल और इतिहास हमें क्या करना है, साथ साथ लेकर चलना है। तो यहां पे मैं आपको बहुत ज्यादा आपको डिटेल नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसके डिटेल के बारे में भूगोल का जो ये पोर्शन है आलोक सर आपको डिस्कस करेंगे, पूरा पृथ्वी की जो भौगोलिक संरचना है, जो भौगोलिक विकास है कैसे कैसे हुआ, मैं मेनली आपके मानव के बारे में करूंगा विकास के बारे में, क्योंकि हम पाषाण काल पे हैं, तो डायरेक्ट पाषाण काल में जो मानव थे वो कहां से आए, वो कहां से आए उसके बारे में हम बात करेंगे। इसका मतलब हम मानव के विकास के बारे में बात करेंगे, और जब हम मानव के विकास के बारे में बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें पृथ्वी के भौगोलिक विकास के बारे में भी जानना पड़ेगा। तो हम भौगोलिक विकास में आपको हम कुछ ही पार्ट बताएंगे, मेन मेन आपके जो भी और होगा, क्योंकि इसमें कई चीजें आ जाती हैं, वो आपके आलोक सर जो है आपको डिटेल में इसको बताएंगे। ठीक, वो आपका भूगोल का पार्ट हो जाएगा, लेकिन जो हिस्ट्री से आपका रिलेटेड है वो मैं आपको यहां बता दूंगा। ठीक है, तो मानव के विकास के बारे में पढ़ना है तो मैंने कहा सबसे पहले हम कहां अध्ययन करेंगे भाई, पृथ्वी की अध्ययन करेंगे, उसके भौगोलिक विकास के बारे में आनेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पृथ्वी एक आपका गोला थी, जो भी आपके एनालिसिस हैं जो आपको डिटेल में बताएंगे बाकी पृथ्वी के बारे में आलोक सर आपको, तो आपका गोला थे, धीरे धीरे उस पर क्या आपके जलवायु परिवर्तन हुए, क्लाइमेटिकल चेंज जो हुए, धीरे धीरे कई पार्टों में डिवाइड हुआ, ठीक है धीरे धीरे उसमें विकास हुआ, कई जोन में कई काल में वो डिवाइड हुआ,
उसी काल को हम पढ़ेंगे कि हर काल में कहीं ना कहीं कोई जीव आए, ठीक, और उसी काल में ऐसे देखेंगे कि किस काल में हमारे मनुष्य की उत्पत्ति होती है, ठीक। तो देख लेते हैं वो कौन कौन से काल थे। तो जो पृथ्वी का भौगोलिक विकास है उसको मेनली इतिहासकारों ने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। पहला आपका है महाकल्प, युग और कल्प, ये तीन पार्ट हैं आपके। जो महाकल्प है इसी को हम क्या बोलते हैं, एरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एरा। और जो आपका युग है इसको क्या बोलते हैं, इपोक बोलते हैं, ठीक है। और कल्प को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो इस पार्ट में भी डिवाइड किया गया है। तो महाकल्प हमारे कितने हैं, टोटल पांच हैं, और युग कितने हैं हमारे, चार हैं, और कल्प कितने हैं हमारे, शायद 18 या 16 हैं, इसके बारे में हमें जानना नहीं है ज्यादा डिटेल में। तो जो महाकल्प ये पांच है, युग चार कैसे हो गए, क्योंकि इसमें जो पहला डिवीजन हुआ जिसे हम बोलते हैं क्या, प्री पैलियोजोइक, क्या बोलते हैं, प्री पैलियोजोइक, इसको किसी युग में नहीं डिवाइड किया गया है, ये ध्यान रखना। इसके कल्प में डिवाइड हुआ है लेकिन युग में नहीं हुआ, वो आप ज्योग्राफी में पढ़ लीजिएगा। हमें जहां देखना है जहां से मानव का विकास हुआ। दूसरा आपका जो चरण था इसके भौगोलिक विकास का वो था पैलियोजोइक एज, तीसरा आपका था मेसोजोइक एज, चौथा आपका था सेनोजोइक एज, और पांचवा आपका था नियोजोइक एज, ठीक है। मैंने बताया इसके चार युग, चार युग में आपके कौन कौन से हैं, प्राथमिक युग, द्वितीय युग, तृतीय युग और चतुर्थ युग, चार आपके युग हैं, ठीक है। कहां से शुरू हुआ, आपके पैलियोजोइक एज से प्राथमिक युग शुरू हुआ पहला, मेसोजोइक से द्वितीय हुआ, और सेनोजोइक से तृतीय हुआ। तो मानव की जो विकास की बात कही गई है, आप जब एनसीईआरटी की क्लास 11th उठाओगे, ठीक है, क्लास 11 की किताब उठाओगे, तो उसमें दिया है कि जिस मानव की हम बात करते हैं कि मानव का विकास इस पृथ्वी पे कब आया, तो आज से 56 लाख वर्ष पहले जो आपका मानव आया था उसे बोल सकते हैं कि वो एक मानव ही था। लेकिन जिसकी बात हम कहते हैं कि जो हमारे पूर्वज हैं, जो होमो सेपियंस को हम अपने पूर्वज मानते हैं, मतलब आधुनिक मानव के बोला जाए कि आधुनिक मानव जो अभी हम लोग हैं, जिस तरह हम लोग दिखते हैं, उस मानव की उत्पत्ति कब से हुई है, तो बोला जाता है कि आज से 1.5 लाख, ठीक है, 1.5 लाख वर्ष, 1,60,000 चाहे 1,50,000 के अप्रोक्स वर्ष पहले आपके ये क्या हुए, ये आधुनिक मानव इस धरती पर के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो वही मैं आपसे बता रहा हूं कि जो मानव की उत्पत्ति है, जो उनका विकास है, वो हमारा जो पीरियड है, वो हमारा जो महाकल्प है, वो कौन सा है, सेनोजोइक एज। सेनोजोइक एज के जो था वो तृतीय युग था। उस तृतीय युग में जो पीरियड थे कौन कौन से थे, पैलियोसीन, इओसीन, ओलिगोसीन और आपका प्लायोसीन, ठीक। तो आपके इतिहास में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है आपका कि आपके सेनोजोइक एज के तृतीय युग के किससे, प्लायोसीन एज से मानव का विकास क्या हुआ है, मानव के साक्ष्य हमें मिलते हैं। कहां से, यहां से हमें मानव के विकास के साक्ष्य जो होते हैं वो मिलते हैं, ये ध्यान रखना। कहां से, सेनोजोइक महाकल्प जो है, एरा है, वहां के तृतीय युग के प्लायोसीन एज से हमें क्या मिलता है, मानव के विकास के साक्ष्य मिलते हैं। तो क्या ये डायरेक्ट यहीं पे मानव मिल गया, नहीं, मानव यहीं पे आपको डायरेक्ट नहीं मिला। हमें जो सबसे पहले मानव मिलता है, मानव का एक तरह से बोला जाए स्तनधारी जो प्राणी होते हैं, जो मैमल्स होते हैं, उनके जो साक्ष्य मिले हैं वो कहां से मिले हैं, इसी तृतीय युग के जो पहला चरण था पैलियोसीन एज, ठीक है, जो पैलियोसीन एज है इसी में हमें सबसे पहले किसके साक्ष्य मिले हैं, प्राइमेट के साक्ष्य मिले हैं। प्राइमेट्स आपके वो ग्रुप होते थे स्तनधारियों के, ठीक है, जानवरों के, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं किसको किसको, बंदर को, छछुंदर को, गोरिल्ला को, चैंपेंजी को, क्योंकि हम लोग, हमारे पूर्वज तो उन्हीं को माना जाता है ना, जो आपको बताया गया कि जो आपके बंदर हैं वही हमारे पूर्वज हैं, यही तो हम जानते आए हैं। तो यहां से इनका डेवलपमेंट होते होते हम मानव को जो देखेंगे थोड़ा सा, जो होमिनाइड होमिनिड जो थे वो कहां आएंगे, मिलेंगे हमें प्लायोसीन एज में मिलेंगे, ठीक है।
तो ये प्लायोसीन एज में ये मानव का विकास ये किसमें है, ये विश्व स्तर पे है। ये विश्व स्तर की बात जब हम करते हैं तो मानव को हम मानव के जो साक्ष्य मिलते हैं वह कहां से मिलते हैं, सेनोजोइक एज के तृतीय में, सेनोजोइक में तृतीय युग के प्लायोसीन एज से हमें मिलते हैं। लेकिन यहीं पे अगर भारत की बात करें हम बच्चों, तो भारत में जो मानव के विकास के साक्ष्य मिलते हैं वो ध्यान रखना वो हमें ये नियोजोइक एज है, मतलब चतुर्थ युग के, ठीक है, चतुर्थ युग के पहले चरण जो कौन सा है, प्लेस्टोसीन, ठीक है, प्लेस्टोसीन के समय का हमें साक्ष्य मिलता है। भारत में जो भी अभी तक साक्ष्य मिले हैं, जैसे आपका अभी जो आपके नर्मदा नदी के तट पे जो साक्ष्य मिला था, ठीक है, आपके जम्मू कश्मीर के पास वो जो आपका सोहन वैली है, ठीक है, वहां पे जो साक्ष्य मिले हैं वो सब क्या है, वो प्लाइस्टोसीन एज के हैं। लेकिन अभी रिसेंट में एक काम चल रहा है, कहा, महाराष्ट्र के बोरी में, महाराष्ट्र के बोरी में, बोरी एक जगह है, वहां एक कंकाल मिला, एक खोपड़ी मिली है जिसे बोला जा रहा है कि वो आज से 14 लाख वर्ष पहले की है। तो अगर वो साक्ष्य प्रूफ हो जाता है, अभी प्रूफ हुआ नहीं है, अगर प्रूफ हो जाता है तो हम कहेंगे कि भारत में भी मानव का जो विकास है वो कब से है, वो तृतीय युग मतलब प्लायोसीन एज से ही है। लेकिन अभी जब तक प्रूफ नहीं हुआ है तब तक आपको मानना है कि भारत में जो मानव का विकास हुआ वो प्लेस्टोसीन एज से हुआ। कहां से हुआ, नियोजोइक के चौथे चरण के प्लेस्टोसीन एज से हुआ है। तो ये चीजें ध्यान आप रखिएगा, ठीक है, इससे आपको, क्योंकि पहले आपसे क्या होता था, जब ये आपके पोर्शन सिलेबस में था इससे क्वेश्चन अब आना कम हो गया है। तो वो लोग, सर क्यों पढ़ा क्यों रहे हो, अरे जानो, क्योंकि आपको पाषाण काल जब जानोगे तो आप जब इसको जाने रहोगे कि कैसे उत्पत्ति हुई, किस एज से हुए, किसके थ्रू हम लोग डेवलप करते हुए गए, तभी आप जाके पाषाण काल को सही से समझ पाओगे, ठीक है। मगर पहले आता था, मगर कुछ कहा नहीं जा सकता कि कहां से क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, ये कोई जरूरी नहीं। लेकिन रिसेंट के आपके 6-7 सालों की बात किया जाए एनालिसिस की, तो अभी तक इस यहां से क्वेश्चन आपके नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। तो मैंने आपसे बताया कि जो पैलियोसीन एज था इसमें हमें क्या मिलते हैं, प्राइमेट मिलते हैं, ठीक है। और ये क्या है, कब का समय है, आज से लेकर 320 से लेकर 240 लाख वर्ष पहले। आज से, अगर आज के रिस्पेक्ट में बात करें हम, तो ये जो प्राइमेट, जो स्तनधारियों का ग्रुप मिला हमें, वो आज से 320 या 240 लाख वर्ष पहले के बीच में ये प्राइमेट्स आपके क्या पाए गए। और उस प्राइमेट्स में आपके कौन कौन थे वो ध्यान रखना, आपके थे लंगूर, कपी, कपी मतलब जानते हो कि बंदर होता है, हिंदी पढ़े हो, इसमें आपका पर्यायवाची जब शब्द आता है पूछता है आपसे, तो बंदर का पर्यायवाची होता है कपी, छछुंदर, चैंपेंजी और गोरिला, यह स्तनधारियों का जो है ग्रुप मिला, उन्हीं से हमें बोला जाता है कि हमारा जो है विकास शुरू हुआ था। अब ये हुआ कैसे, इसके पीछे एक कहानी है, ये कैसे इन लोगों का दिमाग मानव के विकास के, मानव के उत्पत्ति पर गया, ये कहानी है, सुन लो थोड़ा सा। एनसीईआरटी की कक्षा 12 वाली जब आप उठाओ, सॉरी कक्षा 11 वाली उठाओगे, तो उसमें सबसे पहले आपका दिया हुआ है, मैं आपको दिखा दे रहा हूं, जो आपकी एनसीईआरटी, आप लोग, मैं ये बोला हूं कि एनसीईआरटी आपको क्या करना है, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसे पढ़ना है, और कुछ कॉन्सेप्ट जो फैक्ट आपको वहां नहीं दिए हैं मैं आपको बता दे रहा हूं, तो उसे जानिएगा, उसे क्या करिएगा, आप लोग जानिएगा। देखो ये है आपका एनसीईआरटी क्लास 11th की, जहां से आपको पूरा दिया हुआ है कि किस पीरियड से हमें पढ़ना है, वहीं से मैंने शुरुआत किया है मानव के विकास से। तो इसमें आपको बताया गया है, जब आप देखोगे ये सब कुछ उसमें यही लिखा गया है, यहां पे आपको बताया कि 56 लाख वर्ष पहले आधुनिक मानक मानव जो है 1,60,000 वर्ष साल पहले जो है आया था ये। और हम लोग जीवाश्मों का जब अध्ययन करते हैं तभी हम इन सब के बारे में पता कर पाते हैं। तो इसी सिलसिले में क्या हुआ कि कुछ मजदूर जो है, एक नियंडर घाटी है आपकी जर्मनी में पड़ती है, उस नियंडर घाटी में क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे, ठीक है, खुदाई का काम चल रहा था वहां पर। तो एक मजदूर को एक कंकाल जो है, सर बोला जाए, वो मिला, वो आपका कुछ ऐसा था, मैं आपको कंकाल भी दिखा दे रहा हूं। ये देखो, ये नियंडर घाटी की फोटो है आपकी, एनसीईआरटी में दिया हुआ है।
इसी घाटी में आपको ये कंकाल का जो सिर है, ये आधा सर ऐसे कुछ मिला था, ठीक। तो इसे मिला था ये, जब वो मिला तो वो मजदूर लेकर आया, बोला साहब ये हमें मिला है यहां से। तो साहब कहें अरे यार ये का है, खोपड़ी उपड़ी है कुछ? तो वो ले आके अपने आसपास वहां पे जो मास्टर साहब थे, जर्मनी के मास्टर साहब, मतलब बोल सकते हो कि अच्छा खासा जो है ज्ञाता थे हिस्ट्री के, उनके पास वो ले गया गया या, वो बोले उनका नाम क्या था, उनका नाम जो था आपका, ये ध्यान रखो, उनका नाम उससे पूछता नहीं है, लेकिन आप लोग ध्यान रखिए कि उनके पास ले गया गया कार, क्या नाम था, कार फुलहोट उन्हें दिया गया। तो वो क्या किए, इस खोपड़ी को अपने सीनियर को भेज दिया। भैया उनको नहीं समझ में आया कि क्या है, मजदूर क्या हमें लाके दे दिए हैं, मगर खोपड़ी है किसी आदमी की है, ठीक है। ये 1800 आपकी कब की बात है, ये 1856 की बात है, अगस्त 1856 की बात है। उस समय वहां काम चल रहा था नियंडर घाटी में, और वहीं पे आपको एक खोपड़ी मिली, वो ले आके मास्टर साहब को दिया गया, जो आपके इतिहास के मास्टर थे कार्ल साहब। तो कार्ल साहब ने अपने सीनियर को रेफर कर दिया, सीनियर उनके थे हरमन साफ हुसैन, ठीक है। हरमन साफ हुसैन ने उसको क्या किया, क्योंकि वो एक बोला जाए कि शरीर स्केल्टन विशेषज्ञ थे, शरीर की संरचना के विशेषज्ञ थे, तो उसको पूरा अच्छा से वो एनालाइज किए। एनालाइज करने के बाद उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली, और उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि ये जो खोपड़ी है वो आज के जो मनुष्य हैं, जो भी आज के मनुष्य हैं, जो होमो सेपियंस जिसको हम बोलते हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, उनसे मैच नहीं खाता है। इसका मतलब ये उनसे भी पुराने किसी मनुष्य का साक्ष्य है, ठीक है, ये बोले थे। लेकिन कुछ और विद्वान कहे, बहुत अपने आप को 30 मार खां समझ रहे हो बे, ऐसा नहीं हुआ है। हो सकता है किसी जानवर का हो, किसी और किसी का हो, लेकिन वो उसको किसी ना किसी ह्यूमन से रिजेंबल बोल रहे थे कि ये ह्यूमन का ही है, लेकिन वो अभी मौजूद नहीं है, मतलब उनके साक्ष्य अभी हमें पास नहीं है, ये लोग खत्म हो चुके हैं, ऐसे लोगों की ये खोपड़ी है, ये ध्यान रखना। चलो अब आगे चलते हैं। तो जब कई लोगों ने इन्हें ठुकरा दिया, इनकी बात नहीं माने, तो फिर बात चली कब, जब भाई डार्विन साहब आते हैं, 24 नवंबर 1859 की बात है। कब की बात है, 24 नवंबर 1859 में चार्ल्स डार्विन ने अपनी एक किताब निकाली थी, मानव के जो आपके किस पे थी, वो कौन सी थी, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पे थी। और ये किताब इतनी धनक्के से बिकी, बहुत तेजी से बिकी, और इन्होंने मानव के विकास के बारे में कुछ थ्योरी दी, एवोल्यूशन जो थ्योरी है उनकी, उन्होंने दिया कि जो मानव कैसे एक क्रमिक रूप से, ठीक है, एक जीव से होते हुए होते उनका विकास हुआ है। तो उन्हीं के थ्योरी को अभी हम लोग मानते हैं, क्योंकि बाकी जो चीजें हैं वो क्या है, वो काल्पनिक चीजें हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जैसे बोला जाता है कि मानव का विकास कैसे हुआ, उसमें कुछ आपके धार्मिक कहानियां हैं, जिसका कोई एक तरह से बोला जाए साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। कोई कहता है कि ब्रह्मा ने जब इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया, पृथ्वी का निर्माण किया, उसी समय मानव को भी भेज दिया। तो सभी सभी धर्म में कुछ ना कुछ आपके धार्मिक कहानियां हैं, आप लोग भी सुने होंगे, ठीक है। और यही एनसीईआरटी में आपसे पूछता है, कक्षा 6 की एनसीईआरटी जब पढ़ोगे तो पीछे आपसे पूछा है क्वेश्चन आंसर सेशन में कि आप अपने शब्दों में बताएं कि कौन सी ऐसी कहानियां हैं जहां बताया गया है, कुछ कहानियों के नाम बताइए जहां बताया गया है आपके कहा कि ये आपका जो मानव का विकास है वो कैसे कैसे हुआ है, जो आपकी कुछ धार्मिक कहानियों के बारे में आपसे पूछा है। तो ऐसे कई कहानियां आपको मिल जाएंगी, ठीक है, कि आपका जो है ये पूरा मानव कैसे कैसे आपका बना है, कि ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए ब्राह्मण, जंगे से पैदा हुए क्या, भुजा से पैदा हुए कौन, छत्री, पैरों से पैदा हुए श्रुत, ठीक। तो ऐसे ऐसे कई आपकी धारणाएं हैं जो साइंटिफिकली सही नहीं है, लेकिन जब डार्विन साहब आए तो उनकी इस थ्योरी को देखकर समझ गए कि हाँ ये थोड़ा बंदा कुछ जेन्यून बातें कर रहा है, जो चीजें समझ में आ रही हैं, साइंटिफिक है तो इसलिए समझ में आ रही हैं। तो इसी की बातों पे गौर किया गया, फिर से आपके क्या हुआ कि रिसर्च शुरू हुआ मानव पर, और तभी हम लोग यहां पे आ जाते हैं कि काल में हम लोग रिसर्च शुरू करते हैं। जैसे इन्होंने ही बताया तभी ये आपके क्या हुए, सभी रिसर्च शुरू हो गए। तो हम लोग एक एक करके कि हाँ इस एज में कौन मिलता था इस एज में, तो आज के 340 साल वर्ष पहले का जो हमें मिला है साक्ष्य, उसके बारे में हम एनालिसिस करते हैं, जो प्राइमेट्स थे हमारे
ठीक है, जो प्राइमेट्स थे जब उन्होंने ये सब बातें बताई कि हम लोग किसी ना किसी के किसके वानर ही हमारे पूर्वज हो सकते हैं, उन्होंने ये पूरा नहीं कहा कि 100% वानर हमारे पूर्वज हैं। वो बोले कि हम लोग वानर से ही क्रमिक रूप से क्या हुए, डेवलप हुए हैं, तो हो सकता है कि हम हमारे जो पूर्वज हैं वो वानर ही हो सकते हैं। ठीक उसी बात को लेकर और रिसर्च शुरू हो गया, और रिसर्च शुरू होते होते जब हम वानर पे गए तो वानर से हम देखें कि वानर किस श्रेणी में आता था, वो प्राइमेट्स में आता था, प्लायोसीन एज का था, तो उस पर हम रिसर्च करना शुरू कर दिए। तो अब वानर जो था, जो आपका कपि था, वो उसमें चेंज हुआ, तो उसमें जो चेंज हुआ वो ध्यान रखना, वो आपका पहला चेंज हुआ रामापिथेकस में। ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, लेकिन पहले इससे क्वेश्चन पूछता था इसीलिए मैंने इंक्लूड कर दिया कि उसमें जब धीरे धीरे क्रामिक चेंज बोला जाना, इसमें आपके क्या हुए, आपके समय अनुसार, एक तरह से बोला जाए समय के अनुसार उनमें बदलाव होता गया। उनकी थ्योरी भी तो यही थी इवोल्यूशन की कि जैसे जैसे आपका कंडीशन, चाहे वो जलवायु हो चाहे भौगोलिक हो, जैसे आपकी कंडीशन बदलती गई पृथ्वी की, वैसे वैसे जो भी यहां पे जीव थे उनमें क्या हुआ, चेंजेस होते गए। जैसे उनका आपने पढ़ाया डार्विन साहब का, तो बोलते हैं कि जिस चीज का यूज हम करते रहे तब तक तो वो हमारे पास था, लेकिन जो चीजें हम यूज नहीं करते थे, चाहे वो अंग हो, ठीक है, कोई भी अंग, जैसे हम बोले कि हम बंदर के पूर्वज हैं, हमारे बंदर ही पूर्वज हैं, तो अभी हमारी पूंछ कहां है, हम तो हमारे पास पूंछ नहीं है। तो डार्विन साहब ने इसमें बताया था कि जो चीजें, जैसे हम लोग पहले जंगलों में थे, तो जंगलों से हम लोग जब मैदान के क्षेत्र में आए तो जिस चीजों की हमारी यूज बढ़ती गई वो तो चीजें हमारे सही होते गए। एक क्या बोला जाए, एक दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हुआ, उसमें चेंज आता गया और भी हम स्ट्रांग होते गए, और जिस चीजों का हम यूज छोड़ दिए थे, जब हम जंगल से मैदान में आ जाएंगे तो पूछो का तो यूज हमारे रहेगा नहीं, टहलियों पर लटकना तो रहेगा नहीं हमें, ठीक, तो उसका यूज कम हो गया। तो धीरे धीरे वो कई साल, ऐसा नहीं कि हर दो साल में तुम्हारी पूछ गायब हो जाएगी, ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है, वो कई लाख साल बाद, कई हजार साल, कई लाख साल बाद क्या हुआ, आपके जो चीजें आपके यूज नहीं हो रही थी वो धीरे धीरे आपके शरीर से आप क्या हुआ, एक्सटेंट होते चला गया, गायब हो गया, ठीक। तो उसी का ये थ्योरी था, इसीलिए उनको सही माना गया थोड़ा साइंटिफिकली, लेकिन अभी भी ये हम 100% नहीं कह सकते कि मानव का विकास, मानव का जन्म कैसे हुआ है, अभी भी एक रहस्य है, चाहे मानव का हो, चाहे पृथ्वी का हो, चाहे ब्रह्मांड का हो, इन तीनों पर अभी भी रहस्य है। इतने साइंटिस्ट, इतने आपके साइंटिफिक काम हो चुके हैं, अभी भी रिसर्च इस पे चल ही रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो रामापिथेकस बने, रामापिथेकस के बाद आपके कौन आते हैं, होमोनोइड आते हैं। कौन आते हैं भैया, होमोनोइड आते हैं। ये जो होमोनोइड थे, ये होमोनोइड के बारे में बोला गया कि ये आपके 64 लाख वर्ष पहले जो आपके, क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा चेंज होता गया, तो आए कौन, होमोनोइड। ये होमोनोइड जो थे वो चौपाए थे, मतलब बंदर के ही तरह थे, लेकिन इनके में उन बंदरों से थोड़ा सा चेंज था। इनमें क्या था, इनमें ये था कि इनका जो आगे का पोर्शन होता था हाथ वाला, वो लचीला था, चौपाए थे, ये भी चार पैरों से चलते थे लेकिन लचीला था, वो कभी भी इधर से उधर कोई भी टहनी पकड़ के इधर से उधर कूद फांग सकते थे। ये इनके, इनका जो मस्तिष्क था वो होमोनिडो से छोटा था, जो होमोनिड है इसके बाद जो आते हैं उनसे छोटा था, ठीक है, जो उनका दिमाग थोड़ा, जो मस्तिष्क था, जो खोपड़ी थी वो छोटा था। आगे हम जब बढ़ेंगे और इसी से, तो जब और इवोल्यूशन हुआ और आगे हम चले तो होमोनिड आए, ठीक। जब होमोनिड आए आपके, जब होमोनिड आए तो ये आपके होमोनिड क्या कहलाए, ये होमोनिड आपके आए, ये होमोनोइड थे, यार कंफ्यूज ना होना, होमिनोइड, ठीक, और ये कौन है, होमिनिड। होमिनोइड और होमिनिड दोनों में अंतर है, ये इससे पहले आए थे, होमिनिड बाद में आए। और जब होमिनिड आए तो इनमें क्या देखा गया होमिनिडो में, कि ये क्या करते थे, जो इनका जो आपका आगे वाला पोर्शन था, एक तरह से बोला जाए कि जो हाथ था ये थोड़ा थोड़ा उठा लेते थे, पूरी तरह सीधा नहीं हुए थे लेकिन कुछ हद तक ये लोग सीधा होना शुरू कर दिए थे, ऐसे बेंड हो गए थे, ऐसे इतना मतलब
करके आपके खड़े हो चुके थे। तो धीरे धीरे उनका हाथ का यूज देखा गया कि वो लोग हाथ का यूज करने लगे थे। जब हाथ का यूज करने लगे तो यहीं से हमें बोला जाता है कि इनकी मस्तिष्क जो इनके अपेक्षा बड़ा थी, पैरों के बल सीधा खड़े होने में इनकी थोड़ी क्षमता थी, पूरी तरह नहीं थी, ये पैरों के बल थोड़ा खड़ा हो सकते थे कुछ देर के लिए। और ये छोटे छोटे अपने शिकार के लिए, खान पीने के लिए, ये पत्थरों से कुछ औजार भी बना सकते, क्योंकि भाई देखो जब हाथ फ्री हो गया, अब हाथों के बाद आप चल नहीं सकते हो, तो आपका हाथ फ्री है तो हाथों का कहीं यूज करोगे, तो उससे वो थोड़ा थोड़ा औजार बनाते हैं। तो उसके कुछ अवशेष मिले हमें, कहां से? होमिनिड से मिला है। उसके बाद से आता है इनमें और चेंज हुआ, और चेंज हुआ तो हमें क्या मिलते हैं, एस्ट्रोलोपिथिक्स मिलते हैं। कौन मिलता है? ऑस्ट्रेलोपिथिक्स, ठीक है, एस्ट्रोलोपिथिक्स इंग्लिश होता है इसकी। तो एस्ट्रोलोपिथिक्स जो होते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं हमारे आदि पूर्वज हैं। जो आपके हैं एस्ट्रोलोपिथिक्स जो है, वही हमारे क्या है, आदि पूर्वज हैं। मतलब मानव के आदि पूर्वज अगर आपसे पूछता है तो जान लेना कौन था, एस्ट्रोलोपिथिक्स थे, ठीक है, ये हमारे आदि पूर्वज थे। इनका जो बोला जाए तो आज से 56 लाख वर्ष पहले ये लोग पृथ्वी पर आए थे, ऐसा बोला जाता था। इनमें क्या हुआ भाई, इनके कहां से साक्ष्य मिले हैं? सबसे पहले एस्ट्रोलोपिथिक्स के जो साक्ष्य मिले हैं, जो एस्ट्रोलोपिथिक्स के साक्ष्य मिले हैं वो कहां से मिले हैं, वो ध्यान रखना, वो 1924 ईस्वी में रेमन टाट एक अंग्रेज थे, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल क्षेत्र के, कहां से, दक्षिण अफ्रीका में एक ट्रांसवाल, जो तांजानिया जो आप ट्रांसवाल क्षेत्र है, वहां के टोंग्स नामक जगह पर, टोंग्स एक जगह है, वहां पे पहला साक्ष्य किसका मिला है, एस्ट्रोलोपिथिक्स का मिला है, एस्ट्रोलोपिथिक्स का मिला है, ठीक है। अब आते हैं इनमें क्या क्या थी विशेषताएं, तो इनके दांत बड़े होते थे, हाथों का ये सीमित उपयोग करते थे, ऐसा नहीं है कि पूरा हाथों का उपयोग कर लेते थे, लेकिन किसके, होमिनिड के अपेक्षा बोल सकते हैं कि ये हाथों का यूज थोड़ा अच्छा करते थे, ढंग से करते थे, ठीक। और ये क्या थे, सीधे होकर चलने में अधिक सक्षम थे, किसके अपेक्षा, होमिनिड की अपेक्षा। तो यहां से अगर बोले, इसीलिए इनको क्या बोला गया, हमारे आदि पूर्वज बोला गया, क्योंकि ये पूर्ता थोड़ा, जो अभी इतने बेंड थे और थोड़ा सीधे हुए, जैसे एक ऐसे होता है, तो ये ऐसे हुए होमिनिड, और ये हुआ एस्ट्रोलोपिथिक्स जो हुए वो आपके ऐसे हुए, अभी भी 90 डिग्री नहीं सीधे हुए हैं ये लोग, अभी भी 90 डिग्री नहीं सीधे हुए हैं यहां पे एस्ट्रोलोपिथिक्स तक, ठीक है। उसके बाद से ये 56 लाख वर्ष पहले का है, इसी के दो कैटेगरी बांटे गए, यहां से आपके बांटा गया क्या, होमो, एक तो आपके क्या हुए एस्ट्रोलोपिथिक्स और एक हुआ होमो। होमो जो था ये आपका बोला जाता है 25 लाख वर्ष पहले होमो जो है हमारे पृथ्वी पर आए, ये धीरे धीरे आपके 13 लाख वर्ष पहले ये लोग खत्म हो गए थे, एस्ट्रोलोपिथिक्स के जो जनरेशन थी वो खत्म हो गई। हुआ क्या, ये सब जो ये आपको मैंने बताया था रामापिथेकस, ठीक है, तो रामापिथेकस के कुछ लोग आपके जंगल में रह गए, कुछ लोग जंगल में रह गए, और जो जंगल में रह गए उन्हें बोला गया महाकपि, क्या बोला गया, महाकपि। तो ये जंगल में ही रह गए, तो इन ये जंगल की तरह से जैसे जैसे वहां के जलवायु परिवर्तन हुआ उस हिसाब से इनमें चेंज हुआ महाकपियों में। और कुछ लोग जो मैदान में चले आए, मैदानी क्षेत्र में चले आए, उनमें जो चेंज हुआ वो ऐसे चेंज हुआ, देखो होमिनिड, ठीक है, होमिनिड, उसके बाद से आपका क्या हुआ एस्ट्रोलोपिथिक्स, उसके बाद से होमो, ठीक। तो ये ऐसे ऐसे चेंज होता जाएगा इनमें, ये 25 लाख वर्ष पहले की बात है कि यहां हमें क्या मिले थे, होमो मिले थे। होमो मतलब होता है आपका क्या, मानव, होमो मतलब होता है आपका मानव। और ये 25 लाख वर्ष पहले मिले क्यों, हाँ तो मैंने बोला 25 लाख वर्ष पहले ये लोग पृथ्वी पे आए। देखो ये इन्हीं से चेंज हुआ था, कहीं ना कहीं जो हमारे क्या थे, ऑस्ट्रेलोपिथिक्स थे, ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथिक्स जो थे उन्हीं में कहीं ना कहीं हमारा चेंज हुआ। तो ये होमो आए, कैसे चेंज हुआ, हुआ क्या, बोला जाता है यहां पे ये कि आपके जो 25 लाख आज से 25 लाख वर्ष पहले बहुत बड़ा एक क्लाइमेटिकल चेंज हुआ था, जलवायु परिवर्तन हुआ था, बोला जाता है कि हिमयुग,
बोला जाए ना आपका हिमयुग का प्रारंभ हुआ था, मतलब पूरी धरती पर बोला जाए बर्फ ही बर्फ फैल गए थे बोला जाता है। तो वहां क्या हुआ भैया, जब ये हाथ नहीं उठा पाओगे तो क्या होगा, गड़बड़ा जाएगा सब। तो ये लोग चारों पैर से चलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा मैदानी क्षेत्र में। तो ये लोग दो हाथों से चलते थे और लकड़ी जो भी होता था उस हिसाब से। तो इसी तरह इनमें परिवर्तन होते होते ये होमो में आए। ठीक, जब होमो में आए तो ये कितना समय हो गया, तो वही हिमयुग का ही समय था। धीरे धीरे जब ये मैदानी क्षेत्र में आ गए थे, आपके एस्ट्रोलोथोपिक्स जो थे वो जब आके मैदानी क्षेत्र में, तो उनमें परिवर्तन होते होते मैदानी क्षेत्रों में वो होमो कहलाए। अब होमो जो थे आपके, उनमें जब परिवर्तन हुआ खासकर, तो वो क्या हुआ, वो ध्यान रखो, होमो में परिवर्तन हुआ आपका क्या मिला, होमो हैबिलस। क्या मिला भैया, होमो हैबिलस। अब ये देखो, जितने भी मैंने ये परिवर्तन लिखा है आपको बताया है, वो ध्यान रखना कि कहीं ना कहीं पीढ़ी दर पीढ़ी, भाई सिंपल सी बात है, आज जैसे हम एनालाइज करते हैं कि आज से पहले आप देख लो जो बच्चे थे वो किस हिसाब से थे, जो हम लोगों की जनरेशन थी जब हम लोग छोटे थे वो कितना इंटेलिजेंट थे अपने एज में, और आज के जो बच्चे हैं उसी एज में, 5 साल के 6 साल की उम्र में, पहले 5 साल तक बच्चा घर रहता था, लेकिन आज क्या है, आज 3 साल में स्कूल भेज दिया जाता है उसको। ठीक, तो कहीं ना कहीं वो ज्यादा ही तेज होगा पहले अपेक्षाओं में। तो उसी हिसाब से इनमें भी वही चीज होती थी, बुद्धि उद्धि हर चीज धीरे धीरे इनमें डेवलप करती चली गई। जैसे जैसे धीरे धीरे ये बढ़ते गए, इनका एक एक जो है आपका जनरेशन बढ़ता गया, वैसे वैसे इनमें बुद्धियों का भी डेवलपमेंट होता गया। तो जब ये होमो से होमो हैबिलस बने, होमो हैबिलस का जो आता है, तो ये होमो हैबिलस के जो प्रमाण मिले हैं हमें, वो कहां से मिले हैं पहले विश्व स्तर पे, वो इथोपिया में ओमो एक जगह है, और तांजानिया के ओल्डुवाई गॉर्ज है आपका तांजानिया में, वहां पे, और इथोपिया के ओमो जगह से हमें इनके साक्ष्य मिले हैं, किसके, होमो हैबिलस के। ठीक है, ये क्या था, होमो हैबिलस क्या थे, तो होमो जो है, जो आपके मानव ऐसे मानो जो आपके औजार बनाने में क्या थे, बहुत सक्षम थे, बहुत अच्छे, जो औजारों के हमें अवशेष मिले हैं इनके, वो मेन जो देखने से लग जाए कि हाँ ये औजार है, वो समझ लो कहां से मिले हैं, होमो हैबिलस से मिले हैं। और इसी मानव को हम लोग क्या बोलने लगे, जब ये अपनी कारीगरी दिखाने लगा, औजार बनाने लगा अपने शिकार के लिए, और भी चीजें ये बनाने लगा, तो इसीलिए यहां से हम कहते हैं कि ये मानव क्या था, हमारा कारीगर मानव था। क्या था, कारीगर मानव था। देखो कला का आपका यहां से क्या हो गया, जन्म हो गया है। ठीक है, जब एक कारीगर मानव का मतलब इसने कुछ ना कुछ बनाया अपने बुद्धि और अपने विवेक से, अपने जीने के लिए, अपने दिनचर्या के लिए, जो भी चीज यूज होती थी कि हाँ मुझे शिकार करना है तो शिकार हम कैसे करेंगे जानवरों का, हमें हथियार की जरूरत है तो हथियार हम डेवलप किया इसने अपने मस्तिष्क से, अपने बुद्धि और अपने विवेक से, तो इसीलिए ये होमो हैबिलस क्या कहलाया, हमारा कारीगर मानव कहलाया। आगे बढ़ते हैं, इसी समय में आपके, इसी समय में, इसी के बाद आपके आते हैं होमो इरेक्टस। ये जितने थे आपके, मैं आपको दिखाऊंगा अभी फिगर में, ठीक है, आप लोग देखिएगा, ये अभी भी सीधे नहीं हो पाए थे, अभी भी ये लोग सीधे नहीं थे, मैंने आपको बताया एकदम झुके थे, फिर ऐसे, तो अभी भी 90 डिग्री स्टैंड नहीं है, जैसे हम लोग खड़े हो रहे हैं वैसे अभी भी ये लोग खड़े नहीं हुए थे। तो जब आया कौन सा, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस मीन्स होता है आपका 90 डिग्री एकदम इरेक्ट, 100 अपराइट 90 डिग्री पे। तो ये होमो इरेक्टस जो थे वो आपके क्या थे, ऐसे मानव थे जो पूर्ण रूप से सीधे होते थे, पूर्ण रूप से सीधे थे, और अपने हाथों का एक अच्छा इस्तेमाल ये लोग करना जान गए थे। ठीक है भाई, मैदानी क्षेत्र में है तो हाथों का इस्तेमाल करते थे। उसमें लिखा गया, आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे कक्षा 11 वाली, तो उसमें बोला गया कि जैसे जैसे ये लोग, क्योंकि पूरा जब हिमयुग आया, ठीक है, हिमयुग आया तो एक जगह से दूसरे जगह इन्हें जाना क्यों पड़ता था, ये एक दूसरे से दूसरे जगह, क्योंकि मैदानी क्षेत्र में जो भी आपका शिकार है, ठीक है, आपको यहां मिला, जो भी कलमुंद फल ये लोग खाते थे, हो सकता था एक समय बाद वो नष्ट हो जाता था,
वहां से खत्म हो जाता था और इनको दूसरी जगह जाना होता था, तो ये अपने बच्चों को लेकर कैसे जाएंगे। तो वही सब आपको कि हाथों का वहां से इस्तेमाल ये लोग ज्यादा करने लगे, बच्चों को उठाने में, सामान उठाने में, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। ठीक, गए क्यों थे ये सब पता ही है कि भाई भोजन की खोज में, पानी के खोज में ही लोग इधर से उधर जाते हैं। आज भी यही जो है आप है, आप लोग रोजगार की खोज में यहां से वहां जाते हो। वैसे वो भी लोग अपने, उस समय क्या था, इन सबकी टेंशन थोड़ी थी कि रोजगार लेना है। उस समय तो मैंने यही टेंशन था यार, खाना कहाँ से खाएं, पानी कहाँ से पिए। तो ये लोग अपने खाना पानी के चलते कहा होते थे आपका इधर उधर घूमना कर देते थे। जब घूमते थे तो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो अपना सामान, अपना हथियार लेकर जाएंगे, तो हाथों का इस्तेमाल धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो ऐसे होमो इरेक्टस आपके धीरे धीरे पूर्ण रूप से बोला जाए एक तरह से सीधा खड़ा होने वाला मानव, हमें यहां से इनके साक्ष्य मिलते हैं जो होमो इरेक्टस के साक्ष्य हैं, उनके हड्डियों से हमें ये मिलता है कि ये सीधा खड़ा होता था, एकदम 90 डिग्री जैसे हम लोग होते हैं वैसे ये भी था होमो इरेक्टस भी। इसमें दो मानव की बात आती है, एक आती है आपका जावा मानव और दूसरी आती है टिकिंग मानव। ठीक, जो जावा मानव की जो साक्ष्य मिले हैं वो हमें कहां से मिले हैं, वो जावा द्वीप आपका कहां है, इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशिया के जावा द्वीप में 1891 में यहां खुदाई चल रही थी और वहीं पे इस जावा मानव के बारे में हमें साक्ष्य मिलते हैं। ये जावा मानव, ये जितने थे इधर वाले ना, ये सब नरभक्षी थे, इतना ध्यान रखना, कल मन फूल नहीं, जो अपने से छोटे लोगों को भी देखते थे तो मार के खा जाते थे। ठीक, तो वैसे ही आपका ये लोग भी क्या थे, नरभक्षी मानव थे। ठीक, एक दूसरे को मारकर खाने वाले थे। आग का आविष्कार हमें कहां मिलता है भैया, इसी में मिलता है, होमो इरेक्टस जब हम पढ़ेंगे इनके जो साक्ष्य मिलते हैं यहीं से हमें आग का आविष्कार, मतलब और इसमें मानव क्या हो गया, सभ्य हो गया, चीजें आपका आग का आविष्कार हो गया। तो धीरे धीरे आगे वाला इसका क्या करेगा, इस आग के आविष्कार से भुना हुआ खाना भोजन जो करने लगेगा। ठीक है, तो यहां आग का आविष्कार मिलता है और इसको जावा मानव को हम क्या बोलते हैं, पिथिकैंथ्रापस मानव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिथिकैंथ्रापस मानव बोलते हैं और ये नरभक्षी भी था। और दूसरी तरफ होमो इरेक्टस में एक और मानव मैंने बोला पिकिंग मानव मिला था, वो चीन के संघाई में इसके साक्ष्य मिले हैं, जिसे हम सिनेंथ्रोपस मानव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिनेंथ्रोपस, ये भी आपका क्या था, नरभक्षी था। लेकिन ये जावा मानव की अपेक्षा में क्या हम बोल सकते हैं, ये जावा मानव की अपेक्षा में मोर एफिशिएंट था, मोर बुद्धिमान था। ठीक है, जो ये आग का आविष्कार किए थे ये लोग भी आग से धीरे धीरे खाना बनाने और भी जो मांस लेके आते थे लोग उनको भूनने में उपयोग करने लगे थे। उसके बाद से आपका जो मैंने अभी जिक्र किया था एनसीईआरटी वाला फिगर आपको दिखाया, नियंडरथल मानव जो सबसे पहले आपके नियंडर जो घाटी है जर्मनी में, वहां पर कुछ वर्कर काम कर रहे थे तो उन्हें जो खोपड़ी मिली थी वो नियंडरथल मानव की थी। ठीक है, वो जब उसका प्रूफ हुआ सब कुछ तो वो नियंडरथल मानव की मिली। ये बात 1856 अगस्त की बात है, जर्मनी के नियंडर घाटी में ये मिली थी और उसे किसी कार फुलरोड को ट्रांसफर किया गया, वो फिर अपने सुपेरियर को ट्रांसफर किए बाद में, तो वहां के लोगों ने उसे वो मान दिया था कि नहीं ये मनुष्य के नहीं और किसी के हो सकते हैं, किसी जानवर के हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन बाद में पता चला कि वो किसके साक्ष्य हैं, वो नियंडरथल मानव के साक्ष्य हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं, अब नियंडरथल मानव को यहां से मानव का मेन जो होता है एक तरह से बोला जाए कि काफी बुद्धिमान, सब कुछ हो चुका था इसके पास। अब धीरे धीरे आग भी जान गया, हाथों का यूज भी जान गया। ठीक है, तो अब आग का योग जान गया तो देखो आग का उपयोग कहां कहां करना है, किस लिए करना है, वो सब कुछ इस मानव को आने लगा था। यहीं पे हम देखेंगे इस मानव में कार्य विभाजन हो गया था, बोल सकते हो कार्य विभाजन, मतलब कि आपका जो भी कार्य होगा, जो स्त्री पुरुष में जो भी डिवाइड कर दिया जाए, इस तरह के कार्य विभाजन के साक्ष्य में आप देखने को मिलते हैं। दूसरा बात, शवाधान प्रक्रिया, ये क्या है, मुर्दों को दफनाने की जो प्रक्रिया, सभ्य हो गया भाई धीरे धीरे इंसान, जो आपका मानव था वो धीरे धीरे सभ्य होता चला गया। तो जो लोग अब मरते थे ऐसा नहीं छोड़ दिया जाता था, चाहे उसी को लोग खाते रहते थे, अब चीजें अब बदल रही हैं। ठीक, तो अब उसे दफनाते थे जो मरता था उनके बीच में, जब उन्हें दफनाते थे तो कहीं साक्ष्य भी देखो मिले हुए हैं। ठीक, तो उसमें साक्ष्य ऐसे मिले हुए हैं कि जब लोगों को लोग दफनाते थे तो उसके साथ साथ उसकी जो सामान होते थे, जो भी उनका था
भाई वो भी वहीं रख देते थे, साथ में उसके जो जानवर होते थे वो भी रख देते थे, क्योंकि ऐसे मेहरगढ़ में का साक्ष्य आपका मिला है, उसमें देखा गया है कि हड्डियों के साथ साथ एक बकरी के भी साक्ष्य हैं। क्यों? क्योंकि भाई इंसान सोचता था उस समय, उनकी जो धारणा ये थी कि यहां के बाद ये दूसरे जगह जा रहे हैं, वहां इनको खाने को मिलेगा नहीं, तो बकरिया खा लेंगे, तो बकरिया रख दो इनके साथ है। तो ये लोग, जो भी इंसान यहां से मरता था, उनकी ये धारणा थी कि भैया ये यहां से अब किसी और दुनिया की तरफ जा रहे हैं, और कहा जाने उस दुनिया में खाना पीना मिलेगा कि नहीं, इसलिए इनके खाने पीने की व्यवस्था कर दिया जाए। ठीक, तो ऐसे जब प्रमाण हमें मिले तो हम जाने वो कौन है। नियंडरथल मानव में ऐसे प्रमाण हमें मिले हैं। आत्मा की मरता, वही बात है कि शरीर मरती है आत्मा नहीं मरती है, ये थॉट्स आने लगे थे। तो ये सब चीजें क्या है, कहीं ना कहीं धर्म का आपका क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। ये क्या हो रहा है, धर्म का विकास हो रहा है। ये क्या हो रहा है आपका, जब आपके डेड बॉडी को दफनाया जा रहा है तो इसमें आपको क्या झलक रहा है, आपका कल्चर का विकास हो रहा है, कल्चर का विकास हो रहा है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि हमें कल्चर यहां से मिलने लगा था। हम जो आर्ट बोले, आर्ट तो हमें वहीं मिलने लगा जहां औजार मिला, कला का प्रदर्शन तो हमें यहां दिखने को मिला। धीरे धीरे हम देखें कि हमें कल्चर में भी आने लगे, और ऐसे ही जब आप चलोगे आगे तो आपको एक समाज मिलेगा, एक समाज का भी विकास होगा जब ये लोग अस्थाई हो जाएंगे, रहने लगेंगे। चलिए, तो ऐसे ही हम आगे जब बढ़ेंगे तो इसमें समाज का भी विकास होगा, क्योंकि जब ये लोग एक साथ क्या होंगे, रहेंगे, खेती करना सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि जब ये एक दूसरी जगह जाते हैं, वहां से जब धीरे धीरे कोई चीज उगाएंगे, जब उगाएंगे कोई भी, कृषि करना ये जब सीखेंगे, तो जब कृषि करना सीखेंगे तो क्या होगा, जब कृषि आप बो देते हो तो वो 3-4 महीने 5 महीने बाद ही कहीं जाके आपका क्या होता है, उसका उसे काट पाओगे। तो उस वजह से ये लोग क्या, अपनी अस्थाई एक तरह से बोला जाए कि अपना रहने के लिए घर बनाएंगे, और ऐसे ही सब लोग जब बनाएंगे तो वहां एक समाज निर्माण होगा। ठीक है, उनका एक समाज निर्माण होगा तो वहां सामाजिक डेवलपमेंट भी आएगा। अभी तक क्या था इनका, अभी तक तो ये खाना बदोसी वाला जीवन जीते थे। ठीक है, आपके घुमक्कड़ थे एकदम, जहां जहां रुक जाते थे वहीं आपके रात कट जाती थी उनकी, जहां मिला वहीं खा लेते थे, अपना चलते फिरते थे, कोई परिवार नहीं था। लेकिन धीरे धीरे ये क्या हो जाएंगे, एक सभ्य मानव की तरह ट्रेंड होते चले जाते हैं। तो नियंडरथल मानव में हमें ये चीज मिली, लिपि का विकास हुआ, नियंडरथल में ही लिपि का विकास हुआ। भलाई हो, हम पढ़ नहीं सकते हैं अभी, डिकोड नहीं कर सकते हैं, सिंबॉलिक लिपि थी, सिंबल से लोग दर्शाते थे। कोई भी चित्र उत्र कई मिले हैं ऐसे, कि ऐसे चित्र के माध्यम से ये लोग क्या होते थे, कम्युनिकेट करते थे। देखो, पहले सिंगल इंसान चलता था, धीरे धीरे जब आपस में आएगा तो कम्युनिकेशन का कोई ना कोई माध्यम बनेगा। जब कम्युनिकेशन का माध्यम बनेगा तभी आपका एक समाज डेवलप होगा। ठीक है, तो जब कम्युनिकेशन का माध्यम बना, मतलब जब लिपि आ गई तो आपका कम्युनिकेशन का माध्यम उनके बीच में बनने लगा। कल्चरल डेवलपमेंट मैंने बताया, यहीं से आपका शुरू हो गया। उसके बाद से जो अगला आता है आपका मानव, उसको हम बोलते हैं क्रोमैग्नान। ये क्रोमैग्नान हमारा जो होता है होमो सेपियंस का पूर्वज होता है, होमो सेपियंस का जो पूर्वज होता है वो क्रोमैग्नान होता है। और उसके बाद से हमारे आधुनिक मानव के जो पूर्वज होते हैं, आधुनिक मानव के जो आपके पूर्वज हैं वो कौन है आपका, होमो सेपियंस, जिसे हम बोलते हैं होमो सेपियंस, होमो। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, आधुनिक मानव के पूर्वज माने जाते हैं, ये ध्यान रखना। और वो आदि पूर्वज किसे बोला जाता है, ये ध्यान रखना, जो आदि पूर्वज हो वो ऑस्ट्रेलोपिथिक्स है हमारे। कौन है, ऑस्ट्रेलोपिथिक्स जो हमारे क्या है, वो आदि पूर्वज है। ठीक, और यहां हमारे होमो सेपियंस जो है वो हमारे जो आज के मानव है, आधुनिक मानव है, उसके पूर्वज बोला जाता है। तो ये आपके मानव के विकास के बारे में हुआ कि मानव कैसे कैसे आपका विकास किया। और यहीं के बाद हम क्या चलेंगे, क्योंकि होमो सेपियंस आ गया तो इसी के बाद हम किसका अध्ययन करेंगे, उच्च पुरापाषाण काल का करेंगे। तो देखो, उच्च पुरापाषाण, क्यों हम वहां से यहां आए, यहां हम पहुंच गए कहां, उच्च पुरापाषाण काल। ये किसका पार्ट है, पाषाण काल का। मैंने अभी आपको डिवीजन बताया था कि पाषाण काल में पुरापाषाण काल को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक तो निम्न पुरापाषाण काल,
मध्य पूरा पाषाण काल और आपका उच्च पूरा पाषाण काल। तो जो ये होमो सेपियंस हमें दिखने को मिले हैं आज से कितना 30,000 वर्ष पहले के, ठीक है, 30,000 वर्ष पहले यहां आ जाएगा उच्च पूरा पाल। ये होमो सेपियंस तो हमें कब आए, क्योंकि ये आए 160,000 वर्ष पहले, 1.6 लाख, ठीक है, वर्ष पहले ये लोग क्या हुए थे, आए थे। होमो सेपियंस के जो हमें प्रमाण मिलते हैं वो कब के मिलते हैं, 160,000 वर्ष पहले, आज से 160,000 वर्ष पहले होमो सेपियंस के प्रमाण मिलते हैं। धीरे 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 इसमें विकास और हुआ और वहीं पे हम जब यहां आते हैं तो अब बात करेंगे हम उच्च पूरा पाषाण काल जो 30,000 वर्ष पूर्व है, ठीक है, यहां तक इसके साक्ष मिले थे। धीरे धीरे और डेवलपमेंट आपका होता गया और उसमें हम लोग आधुनिक मानव में परिवर्तित होते चले गए। तो ये आज का सेशन जो था आपका वो आपका यही था कि आपको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, पाषाण काल पढ़ना है, ठीक है, पाषाण काल पढ़ना है। तो उसके लिए पाषाण काल पढ़ने के लिए कि हम और भी चीजें कैसे हम एनालाइज करें, पाषाण काल को जानने से पहले क्या क्या हुआ, कैसे मानव यहां आए, क्योंकि देखो यहां जैसे आ गए ना उच्च पूरा पाषाण काल, इसका मतलब यहीं से आपके जो मानव थे पाषाण काल में आ गए थे, जो पत्थरों में अपना पत्थरों से औजार बनाने लगे जैसे होमो हैबिलिस, होमो ये लोग जब मैदान क्षेत्र में आ गए तो इसका मतलब इनकी एंट्री कहां हो गई, पाषाण काल में हो गई। जब ये जंगल को छोड़कर मैदान में आते हैं तभी समझ लो इनकी एंट्री कहां हो गई, पाषाण काल में हो गई, क्योंकि इनको जब ये आपके क्या होंगे मैदानी क्षेत्र में जाएंगे तो इन्हें खाने के लिए क्या चाहिए, खाना चाहिए, और खाना इन्हें शिकार से मिलेगा और शिकार के लिए इन्हें औजार बनाना होगा, और औजार ये किससे बनाएंगे, पत्थरों से बनाएंगे। तो ये उन एरिया में जाएंगे जहां सबसे ज्यादा आपके कहां होंगे, पत्थर होंगे और आपका क्या होगा, जहां नदियां होंगी। तो भारत में इसीलिए जो मानव के साक्ष मिले हैं आपको वो उन्हीं उन्हीं जगह पर मिले हैं जहां पे आपके नदियां और पहाड़ी क्षेत्र है। जैसे आपका बोला जाए जो आपका वेस्टर्न घाट है, जो आपका ईस्टर्न घाट है, ठीक है, वहीं पे मानव के साक्ष मिले हैं। फिर आप सिंध वाले क्षेत्र में चले जाओ वहां पे मिले हैं। तो कहा गया इतिहासकारों ने इसीलिए कहा है कि जो भारत में मानव का विकास हुआ है ये उत्तर से दक्षिण की तरफ हुआ है, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ इतिहासकार जो है कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, दक्षिण से उत्तर की तरफ हुआ है, भारत की बात मैं बोल रहा हूं, ठीक है, विश्व स्तर पर बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमें जो सोहन घाटी में जो साक्ष्य मिले, ठीक है, नर्मदा नदी के पास जो साक्ष्य मिला, नर्मदा घाटी में जो साक्ष्य मिला, अभी मुंबई में जो बोरा महाराष्ट्र आपका जो जगह है, बोरी जो जगह है वहां जो साक्ष्य मिला है, उससे तो यही पता चलता है कि हमारे वहां से धीरे धीरे, क्योंकि वो सबसे पुराना आपका सोहन घाटी वाला है, उसके बाद से नर्मदा वाला, तो यह नॉर्थ से हम साउथ की तरफ शिफ्ट हुए हैं। लेकिन एक इतिहासकार बर्नेट है वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, और उनका कहने का मतलब है कि जो मानव का विकास हुआ है भारत में वो साउथ से लेकर नॉर्थ तक हुआ है, ठीक, लेकिन इसे कोई मानता नहीं है, उन्हें गलत ठहराया गया इस बात पर। और यही विश्व स्तर पर बात करें तो विश्व स्तर में मानव के विकास को लेकर कई धारणाएं हैं, ठीक है, उस धारणाओं में आप कक्षा 11 की जब एनसीईआरटी पढ़ोगे उसमें आपको दिया गया है, उसके बारे में हम चलो देख लेते हैं थोड़ा सा कि जो मानव विकास को लेकर कैसे मानव मतलब कहां सबसे पहले आया। मैंने बताया आपको कि जो आपको किसके साक्ष्य मिले हैं भाई, यहां पे हमें जो साक्ष्य मिले हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस के वो कहां से मिले हैं, दक्षिण अफ्रीका से मिला है। इसका मतलब कि जो इतिहासकार कहते हैं कि विश्व में मानव का विकास कहां से हुआ था, दक्षिण अफ्रीका से हुआ था, वहीं क्योंकि हमें पहले साक्ष्य मिले हैं तो वहीं से मानव धीरे धीरे क्या हुआ, समय अनुसार जैसे जल आपके क्लाइमेटिकल चेंज होते गए, जलवायु परिवर्तन होते गए, वैसे ही मानव जो है क्या हुआ, धीरे धीरे आपके हर क्षेत्र में फैलता चला गया। तो हम जो कहते हैं वो एक तो थ्योरी हमारी यही है कि हमारा जो है कहां से विकास हुआ है जो मानव का, वो अफ्रीका से हुआ, क्योंकि सबसे पहले मानव कहां है, अफ्रीका में आए, ये कहना है कुछ इतिहासकारों के साक्ष्यों के आधार पर, ठीक है, उसमें भी अभी डेफिनेटली सभी लोग ट्रू नहीं है। और कुछ का ये कहना है आपका, उसमें दो थ्योरी दिया गया है, उस थ्योरी पर हम बात कर लेते हैं, वो थ्योरी देख लेते हैं आपके एनसीईआरटी किताब में है,
और एनसीईआरटी किताब के ये आपका पेज है, आप लोग पेज नंबर देखिएगा। मानव के विकास, मानव के क्रामिक विकास की कहानी बताया गया है इसमें। आप लोग इसे पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, मैं संक्षिप्त में आपको बता दे रहा हूं। इसमें क्या बोल रहा है कि मानव के विकास के बारे में दो थ्योरी दी गई है, कि जो हम बोलते हैं ना कि मानव का विकास अफ्रीका से हुआ क्योंकि वहीं पर सबसे पहले साक्ष्य हमें प्राप्त है। तो दो थ्योरी है, एक है कॉन्टिन्यूटी मॉडल, निरंतरता का मॉडल, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी मॉडल इसे बोलते हैं। इसमें क्या कहा गया है, इसमें यह बोला गया है जिसके अनुसार अनेक क्षेत्रों में अलग अलग मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। और ठीक है, इनका कहने का मतलब है कॉन्टिन्यूटी जो मॉडल है ये कहता ये है कि जो अनेक क्षेत्र है, कोई जरूरी नहीं है कि अफ्रीका के में ही मानव के जो साक्ष्य मिले पहली बार तो वहीं से मानव का विकास स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये मॉडल ये कहता है। इसके कहने का ये मॉडल है कि जो आपके मनुष्यों का विकास हुआ वो हर जगह पे मनुष्य क्या हुए आपके मिले हैं, ऐसा हम कह सकते हैं कि हर जगह में आपके टाइम टू टाइम मनुष्यों का विकास मिलता है। लेकिन वहीं पे आपका दूसरा जो मत है वो है प्रतिस्थापन मॉडल, रिप्लेसमेंट मॉडल, ये ध्यान रखना। ये रिप्लेसमेंट मॉडल क्या कहता है, ये कहता है, इसके कहने का यह मतलब है कि रिप्लेसमेंट मॉडल में यह बोला गया है कि जो मानव की सबसे पहले उत्पत्ति हुई वो अफ्रीका में हुई, और अफ्रीका में होने के बाद धीरे धीरे वो अफ्रीकन मानव क्या हुआ वो अलग अलग देशों में चला गया, जिसके कारण क्या हुआ आपका कि अलग अलग में, अलग अलग देशों में भी मानव के साक्ष्य हमें जो मिलते हैं वो इसी वजह से मिलते हैं, ठीक। उनमें भी लोगों का, कई इतिहासकारों का ये मतभेद है, कहते हैं तो अच्छा जब एक ही जगह से उत्पन्न हुए मानो तो काहे सभी जगह के मानो में भिन्नता है। जैसे अभी आप देखोगे, अभी हम लोग ऐसे हैं, साउथ में चलो जाओ तो कहीं ना कहीं उनके शरीर में, उनके रंग में भेद मिलेगा, ऐसे तुम अफ्रीका में चले जाओ वहां के लोगों में भेद मिलेगा, अमेरिकन में चले जाओ भेद मिलेगा, जो आपके अफ्रीकन कंट्री में जो कुछ ट्राइब्स हैं उनमें चले जाओ वो तो अभी भी वैसे ही जीवन जीते हैं, कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं जो इसमें बताया गया है। ये सब क्यों हम कहते हैं कि नहीं ऑन अप्रोक्स सही है चीजें, ठीक है, ये जो आपके साक्ष्य मिले हैं उनको हम उतना 100% नहीं बोल सकते, लेकिन ऑन अप्रोक्सीमेशन हम सही इसीलिए मानते हैं क्योंकि अभी भी जो आपके हंटर गैदरिंग जो बोला जाता है, जो समुदाय है, जो लोग हंटर पे ही डिपेंड है, मतलब शिकार पे ही डिपेंड होकर अपना जो क्या बोलते हैं चला रहे हैं जीविका, उनके बारे से ये कहा जाता है कुछ इतिहासकार कि इनको देखकर हम जान सकते हैं कि जैसे ये लोग अभी स्थिति में इस समय में ऐसा काम कर रहे हैं तो पहले ऐसे ही लोग हुआ करता रहे होंगे जो इन्हीं के प्रिंसिपल पर चल रहे थे, ठीक, कि मतलब हम घूमेंगे और अपना क्या करेंगे, शिकार करेंगे और खाएंगे। तो ऐसी जनजातियां अभी भी आपके मौजूद हैं विश्व में, तो उन्हीं सबको देखते हुए ये बोला गया कि कई लोग इतिहासकार इसमें बोलेंगे कि आपके अलग अलग जगह पे अलग अलग मानव टाइप के क्यों मिलते हैं, उनकी संरचना अलग अलग क्यों है। तो वो बोला गया रिप्लेसमेंट मॉडल में कि भैया देखो मेन यही सही है, इसी को ज्यादा लोग फेवर करते हैं रिप्लेसमेंट मॉडल को, कि रिप्लेसमेंट मॉडल में हुआ क्या कि अफ्रीका में मानव का जन्म हुआ और अफ्रीका से मानव का जब विकास हुआ वो कई जगह आपका चला गया, तो जब वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पर चला गया तो वहां के जलवायु परिवर्तन, वहां के मौसम, वहां के कंडीशन के हिसाब से उसकी शारीरिक संरचना जो है चेंज हो गई, ये बोला जाता है। तो इसीलिए इसको थोड़ा ऑथेंटिक माना जाता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि जो मानव का जो विकास है वो अफ्रीका से हुआ है और जो जन्म मिला, जो सबसे पहले मानव का जन्म हुआ वो अफ्रीका से हुआ है, हम इसी को अभी मानते हैं। वो भी अभी पूर्णतः हम 100% इसे सत्य नहीं मान सकते हैं, सिर्फ साक्ष्यों के आधार के जो अभी तक खोजे गए, लेकिन अभी कई साक्ष्यों पे अभी खोज चल रही है रिसेंट में। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको जरूर बताया जाएगा, आप लोग न्यूज, इन सब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट अभी भी इन सब पे बहुत बड़ा सर्च कर रहा है, कई सालों से कर रहा है, लेकिन अभी तक जो सामने हमारे पास है वो यही साक्ष्य बोलता है कि जो मानव की उत्पत्ति है वो कहां से हुई है, अफ्रीका से हुई है। तो ये तो आज हमने बात कर लिया आपके सामने मानव की उत्पत्ति के बारे में, कुछ भौगोलिक संरचना आपको बता दिया, भौगोलिक विकास बता दिया, ठीक, कहां कहां से हुआ है। अब हम आगे जो बात करेंगे वो हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा,
ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हम पाषाण काल पर चलेंगे, पाषाण काल पर चलेंगे, और पाषाण काल से जैसे जो क्वेश्चंस बनते हैं जो जरूरी है उसको हम पढ़ेंगे और मैपिंग के थ्रू पढ़ेंगे। जब मैपिंग के थ्रू पढ़ेंगे तो हमें चीजें क्या होंगी, बहुत अच्छे से याद होंगे। तो अभी जो मैंने आपसे बताया था कि जो ये मानव का विकास है उसको थोड़ा फिगराइज मैं आपको करा दूं लास्ट में कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था, आप आज के चैप्टर में क्या क्या हुआ। तो ये देखो, ये मैंने आपको बोला कि सबसे पहले तो ये साक्ष्य मिला था आपको, ठीक, क्या हुआ, ये साक्ष्य मिला आपको, खोपड़ी मिली, वो ले आके दी है भैया किसको, मास्टर साहब को, उन्होंने बताया कि नहीं ये किसी का नहीं है, लेकिन जैसे ही आपके कौन डार्विन साहब आए, उन्होंने अपनी थ्योरी दी, उसके बाद से इन पे लोगों का हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट आया और वहां से काफी शोध शुरू हुए, तब पता चला ये जो खोपड़ी मिली थी वो किसकी थी, नियंडरथल मानव की थी। और उसके बाद फिर हम उसके और पूर्वज की खोज करने गए तो हमें और फॉसिल्स मिलते गए और हमें जीवाश्म मिलते गए और देखने गए कि हमारे जो प्राइमेट्स थे, जो बंदर थे जिसमें आते हैं स्तनधारी आते हैं, वहां से हमारा विकास शुरू हुआ है। जैसे देख लो, ये रहा बंदर भाई साहब है, आपको दिख रहा होगा, ये बंदर भाई साहब से धीरे धीरे हम विकास की तरफ बढ़े, ठीक है, हमारे जो बंदर थे उससे हम क्या फिर कौन बने, आपका रामापिथेकस बना, रामापिथेकस के बाद से आपका क्या, उसके जो मैदानी भाग में हो गए और एक आपके कहां चले गए, जंगलों में चले गए, जो महाकपि रहे और जो आपके मैदानी में आए वो होमोनिड और होमोनाइड बने, ठीक, उसी में एस्ट्रोलोपिथिक्स बने। तो एस्ट्रोलोपिथिक्स ही हमारे क्या है, आदि पूर्वज है। धीरे धीरे देखो, ये हमारे एस्ट्रोलोपिथिक्स एकदम तनिसा झुके हैं इसे, ठीक है, और आगे चलोगे तो और थोड़ा सा सीधे हुए और सीधे हुए, और यहाँ पे कौन था, ये होमो इरेक्टस बोला गया था, जिसे होमो इरेक्टस मतलब एकदम सीधा 90 डिग्री एकदम पूरा सीधा था ये। अब ये भी टेढ़ा है, अगर दिख नहीं रहा है लेकिन टेढ़ा है, ठीक है। तो ये देख लो, ये इनको जो है आपके फिगर में दिखाया गया, ये होमो हैबिलस है। और कुछ के नाम ऐसा नहीं है कि ये इतने ही थे, कुछ तो ऐसे हैं जहां जहां जिसके फॉसिल्स मिले हैं, जीवाश्म मिले हैं, उन्हीं के नाम पर रख दिया गया है। जैसे नियंडरथल में जो मिला उसको होमो नियंडरथल, नियंडर भी बोलते हैं, ठीक है, वहां के जो है वो होमो हैबिलस है ये, देख लो। उसके बाद से होमो इरेक्टस एकदम सीधा खड़ा है, होमो इरेक्टस आपका, ये आपके पूर्वज हैं जो एस्ट्रोलोपिथिकस, एस्ट्रोलोपिथिकस हैं, ये आपके क्या हैं, हमारे आदि पूर्वज हैं, और ये आपके नियंडरथल मानव हैं। ये देखो होमो नियंडरथल मानव, ये होमो लगा दिया गया आगे और नियंडर ये जहां से इनके साक्ष्य मिले थे। उसके बाद से आ जाओ तो ये हमारे जो है आधुनिक मानव के पूर्वज हैं जिन्हें होमो सेपियंस बोलते हैं। देखो कितना एडवांस लग रहा है, बाल और कितना सही रखा हुआ है, ठीक है। तो ये सब आपको, ये आपके क्या है, देखिए क्रम, कहीं ना कहीं क्रम के अनुसार, कैसे पहले पूरा का पूरा शरीर में बाल ही रहता था बंदर की तरह एकदम हम लोग दिखते थे, खोपड़ी भी हमारा जो मुख भी था वैसे ही था, धीरे धीरे चेंज हुआ, चेंज होते होते हम मनुष्य में बदल गए, इसीलिए हमें बंदरों का बोला जाता कि बंदर हमारे क्या है, पूर्वज है। चलो, और ये जो आप देखते हैं कि और भी चीजें, देखो ये है फॉसिल्स, फॉसिल्स जो जीवाश्म होते हैं इसी को जीवाश्म बोलते हैं। देखो ये कितनी बड़ी खोपड़ी है, बहुत बड़ा इमेज लिया गया, इतनी बड़ी होती नहीं है, ये बड़ा इमेज लिया गया, इसी को फॉसिल्स बोलते हैं। आपके कुछ भी पार्ट पूरा तो मिलेगा नहीं, कई लाख वर्ष पहले की ये सब बातें चल रही है, तो पूरा कंकाल एकदम सीधा सीधा तो मिलेगा नहीं किसी का, किसी का हाथ मिल गया, किसी का खोपड़ी का कुछ पार्ट मिल गया, उसी को वो कार्बन डेटिंग से क्या करते हैं, पता लगाकर बताते हैं कि भैया ये कब का है, ठीक है, ठीक। और ये आपका जब पाषाण काल में आओगे, जब पत्थरों के युग में आओगे, तो आपको कुछ ये पेंटिंग मिलेगी, ये किसकी पेंटिंग है, आपके जो पशु हैं उनके पेंटिंग मिलेगा, तो उससे पत्थरों पे पेंटिंग देखकर हमें पता चला कि कितना मानव धीरे धीरे सभ्य हो गया था, कितना कल्चरल हो गया था, ठीक है, उसमें कला का विकास कैसे होने लगा था, ये सब चीजें हैं। और ये हथियार थे उनके पत्थरों के जो बने होते थे, जो चीरने फाड़ने के काम आते थे, शिकार करने के काम आते थे, मान लो किसी का शिकार किए, उसे चीरना है फाड़ना है मांस खाना है, तो कैसे, तो पत्थरों से ही बनाते थे। आग की खोज की है, वो सब कैसे हुआ, ये सब इन्हीं सब चीजों से हुआ। तो ये सब आपका है। इसके बाद से हम जो पढ़ेंगे पाषाण काल, वो हमारा मेन है आपका, जो सिलेबस बोला जाए एक तरह से हिस्ट्री का, जहां से स्टार्ट होता है। ये तो आपका एक इंट्रो था हिस्ट्री का, ठीक है। मेन हम जब पढ़ेंगे आपका क्या, पाषाण काल, वहां से हमारा सिलेबस स्टार्ट होगा। पीसीएस का आपका पूछता वहां से भी नहीं है, अब
पीसीएस में है, अभी भी वहां से पूछता नहीं है, लेकिन अभी रिसेंट के चार सालों में शायद नहीं पूछा है, लेकिन उससे पहले पूछा है। लेकिन यूपीएससी जो है, यूपीएससी कभी कभार पूछ लेता है, और पीसीएस में मेंस में यहां से क्वेश्चन आ जाता है। मेंस में आपको इसके 8 से और आपके जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन के 8 से आपके क्वेश्चंस जो है बन जाते हैं। तो 8 के मतलब इनका 8 जो ये लोग, मैंने अभी बताया ना कि कैसे ये लोग आग की खोज किए, कला कैसे ये लोग करते थे, और इसके आगे वाले जो आपके सिविलाइजेशन थे उनमें आपके कंपेरिजन करके कुछ टिप्पणी लिखने के लिए आ जाता है। तो मेंस में आता है, प्री के में फैक्चुअल चीज इससे अभी उतनी नहीं आती। क्यों नहीं आती है? इसलिए नहीं आती कि यहां का जो भी साक्ष्य सब असमंजस में है, कोई भी चीज 100% क्लियर नहीं है, जिसके वजह से यहां से फैक्चुअल डाटा ही एक बनता है प्री में आने के लिए। लेकिन वो फैक्चुअल डाटा जब तक आपका क्लियर नहीं हो, क्योंकि कई इतिहासकारों का अलग मतभेद है, एनसीईआरटी कुछ अलग लिखती है, कई एनसीईआरटी जो आपके हिस्टोरी इतिहासकार हैं वो अलग बताते हैं, इसी वजह से इन सब चैप्टरों को जहां मतभेद बहुत ज्यादा है वहां से आपके फैक्चुअल डाटा नहीं पूछता है, पूछेगा तो कुछ कॉन्सेप्चुअल ही पूछेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो अगला हमारा जो सेशन होगा वो पाषाण काल पे होगा। पाषाण काल में हम जो है पढ़ेंगे क्या, आपका पूरा पत्थर युग पढ़ेंगे, जो हमने अभी बताया आपका नियंडरथल मानव कैसे आपका वहां तक पत्थरों के गुफा में बनाया, कहां रहा, कैसे अपना समाज डेवलप किया, ठीक है, अपनी अर्थव्यवस्था कैसे चलाया, वो सब चीजें हम पाषाण काल में बात करेंगे। कहां कहां उसके जो आपके जो आप जो बोला जाए कि जो हिस्टोरिकल प्लेस है पाषाण काल के, वो कहां कहां इंडिया में मिले हैं। अब हम विश्व पे नहीं जाएंगे, ये ध्यान रखना, अब हम विश्व के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जो पढ़ना है हिस्ट्री वो इतिहास की पढ़नी है। प्री के लिए मेंस में आपको विश्व इतिहास पढ़ना है, और वो भी विश्व इतिहास, वो प्राचीन विश्व इतिहास हमें नहीं पढ़ना होता है, वो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका जो विश्व इतिहास में आता है वो मॉडर्न इतिहास से आता है, ठीक है। तो वो जब हम मॉडर्न पढ़ेंगे तो वहां पे हम ज्यादा विश्व की जिक्र करेंगे। अब हम लोग जो पढ़ेंगे पाषाण काल में, वो इंडियन हिस्ट्री के पाषाण काल के बारे में हम जिक्र करेंगे। तो चलिए भाई, इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। सभी लोग बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट के माध्यम से, और हम अगले सेशन में पाषाण काल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।